कृष्णा नगर। इस एरिया का ये नाम पड़ने की वजह है कृष्णा प्रसाद जी। काफी समय से यहाँ के लोगों को क्षेत्र की रक्षा व विकास के लिए एक सच्चे राजनेता की जरूरत थी, जो तन मन धन से जनसेवा को ही अपना सब कुछ समझता हो। ऐसे में कृष्णा जी ने प्रादेशिक स्तर पर एक पार्टी का गठन कर राजनीति में प्रवेश किया। लोगों के दुख तकलीफों में शामिल होकर उनकी समस्याएं सुलझाते सुलझाते कृष्णा प्रसाद जी कृष्णा भैया बन गए। जिस समय कृष्णा प्रसाद जी ने राजनीति में कदम रखा, उस समय स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं की भरमार थी। ऐसे में उनकी बेदाग ईमानदार छवि और उनके कुछ विश्वसनीय लोगों के सहयोग ने उनकी ताकत को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दिया। उन लोगों में थे नरसिम्हा, शिवा, रुद्रेश और सत्या। कावेरी जल विवाद को सुलझाने में कृष्णा प्रसाद जी राज्य की जनता के बीच फरिश्ता जैसे बन गए। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया, जिनमें उनके दोस्त और दुश्मन सभी थे। जन्मदिन मुबारक हो। आप 100 साल तक जिए। खाना खाकर जाइएगा। आपके लोग मुझे इस तरह घूर रहे हैं, लगता है मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं चलता हूँ। भाई, अगर हम लोग गलती से भी यहाँ रुक जाते ना, तो हमारी लाशें यहाँ से जाती। देखा ना, वो लोग कैसे घूर रहे थे हम लोगों को। ए, जानते हो वो कौन है? डॉक्टर राज जी को चाहने वाले। घर में आए हुए मेहमान की बेइज्जती करना तो दूर, उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। मेरी नजर उन पर पड़ चुकी है, समझ ले ये उसका आखिरी जन्मदिन है। जा रहे हैं क्या? आज भाई साहब का जन्मदिन है ना, जीतने के बाद उनसे मैं मिलने ही नहीं गया, जाकर उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ बस। क्या भैया, हम 2-4 दिन के लिए आपसे मिलने आए हैं और आप हैं कि तुम लोगों के साथ रहने की इच्छा मेरी भी है, लेकिन भाई साहब के आशीर्वाद से ही हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। क्या भैया, आप भी? देखो बहना, जब भी कोई अच्छा काम होता है जिससे कि जनता का भला होने वाला होता है, तो हमें निजी स्वार्थ बस रुकना नहीं चाहिए। भैया, अपने भरत को अच्छी तरह से पढ़ाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है भैया। देखो शिवा, डॉक्टर बनने से बेहतर होगा कि वो एक एमएलए बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करने वाला एक अच्छा इंसान बन जाए। बस यही मेरा सपना है। एक जमाने में मुंबई शहर में फुटपाथ छाप गुंडा बनकर भाईगिरी शुरू करने वाला आज गैंगस्टर बनकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसी नायक की स्पेशल स्टोरी हमारा आज का प्रोग्राम है, ड्रग्स, फेक करेंसी, इलीगल बिजनेसेस। ये नायक बहुत से काले धंधे करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने वाला एक पब्लिक एनिमी है। इस नायक की गैंग में 2 लोग खास हैं, उसका छोटा भाई बबलू और दूसरा है गुरु तलवार। We are doing our job sincerely. हम उन्हें हर हाल में पकड़ के रहेंगे, okay? सर, आप 1 साल से बस यही बात कहते आ रहे हैं। कुछ नया कहूँ क्या? हमसे नहीं हो पा रहा है। We are inefficient. Are you happy? तो सुना आपने कमिश्नर साहब का जवाब? डैडी, टीवी वालों ने आपको ऐसा कहा इसीलिए आपको फील हो रहा है क्या? नहीं बेटा। डैडी, उसे कोई नहीं पकड़ सकता क्या? आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, फिर भी वो कानून के सिकंजे से नहीं बच पाएगा।
और उसे फिनिश करने के लिए उसका बाप आ रहा है। बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए वो मिसाइल बनकर आ रहा है। में क्या देख रहा है? डायरेक्ट देख भाई, ये पुलिस वाला है भाई। गुड, पावर का पता चलते ही प्रोफेशन क्या है ये तूने बता दिया। ए, यहाँ जितने भी पुलिस वाले आए कुछ तो बिक गए और कुछ पार्सल हो गए। अबे, बिकने या पार्सल होने के लिए मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। पुलिस क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा है, बहुत जल्दी समझ गया। गुरु तलवार कहाँ है? गुरु तलवार मुंबई में ही रहता है, वो सनी सुपारी के साथ है। तेरी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, आंख वाले सिर्फ सामने देख सकते हैं, लेकिन दिमाग वाले लोग चारों तरफ देख सकते हैं। सर, हमारा वेट करने की बजाय डायरेक्ट अटैक करना ही बेटर रहेगा। कब क्या करना है ये मुझे तुमसे नहीं सीखना है। आई एम योर सुपीरियर ऑफिसर। अटैक करने के बाद भी गुरु तलवार यहाँ से निकल गया तो व्हाई शुड वी टेक चांसेस? सर, मैं कंफर्म हूँ कि वो यही है। कान से सुनी बात को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आंखों देखी बात को कंफर्मेशन कहते हैं। लेट मी गो एंड कंफर्म माय सेल्फ। सर, आप अकेले क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? जितना कहूँ उतना ही करो, मैं रिस्क लेने वाला ऑफिसर हूँ, इसीलिए आज इस पोजिशन पे। जस्ट वेट फॉर माई सिग्नल। सिग्नल कैसे देंगे सर? सीटी बजा के दूंगा। अगर हम नहीं सुन पाए तो? चिल्लाऊंगा। कैसे? समझा? ब्लडी इरिटेटिंग बगस। कौन है बे तू? इधर किस लिए आया? ये आवाज तो अपने सर की लग रही है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों ऊपर जाते हैं, तुम दोनों नीचे जाओ। ठीक है सर। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ सर, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बगल की बिल्डिंग में आना था, गलती से यहाँ आ गया। बॉयज मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए सर। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे किस किस्म के ब्रोकर हो तुम? हम लोग बाजू की बिल्डिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आकर इनके साथ टाइम पास कर रहे हो। कौन है बे तू? ये हमारा ब्रोकर है सर, मैं इसका बायर हूँ। ए, चलो जल्दी फ्लैट दिखाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे की तो हवाई उड़ गई है। सीनियर सिटीजन हो इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ना। चलो उड़ा। भारत, दिस इज टू मच। आई एम योर सीनियर ऑफिसर, रेस्पेक्ट से बात करो वरना तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर से कर दूंगा। अबे तेरी तो। Oh!
थैंक यू सर। उस नायक गैंग का गुरु तलवार खास आदमी है, उसके हाथ आने से हमारा काम काफी आसान हो गया। व्हाट डू यू से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो? सर बुलेट लग गई है सर। पिछवाड़े पर गोली कैसे लग गई? ऐसी नहीं छड़कत, ऐसे लोग करते हैं। व्हाट? जी हाँ सर, शूट करते समय गोली कलेजे का पास चलो। शट अप, ये झूठ बोल रहा है सर। चांस मिलना चाहिए इसे, अपने सीनियर को जो मुंह में आग बकता है। सुन ले, मुझसे कोई नहीं बच सकता, तुझे ढूंढ के जरूर मारूंगा। देखा आपने सर, कुत्ते के जैसे मार दिया इसे। ये कुत्ता ही तो है सर। पेशेंस तो है ही नहीं सर, गुस्सा नाक पे रहता है इसके। वो दोनों अगर नहीं रहेंगे तो पुलिस और पोस्टमैन में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये खेल हमेशा नहीं चलता है। स्टार अच्छा है इसीलिए बच रहा है तू। नहीं सर, पावर है इसीलिए मैं बच रहा हूँ। श्वेता जी, जरा वो फाइल लेके आना। तो आई जी। श्वेता श्वेता श्वेता, गुरु तलवार मेरा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया है। उसे पनिशमेंट देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं। सुनिए बबलू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता भाई, कस्टडी में अगर कहीं गुरु तलवार ने मुंह खोल दिया तो। सर ये लॉकअप डेथ है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसकी हत्या कैसे हो गई? इसमें आपका क्या रिएक्शन है? इस केस को हैंडल करने वाली टीम को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया। एक नई कमेटी हम बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर एक्शन लेंगे। क्या हुआ भाई? इससे पहले कि गुरु तलवार मेरा नाम बताता, उसकी सांसें ही रुक गई। आपसे जीतने की किस्में हिम्मत है भाई। ऐसा कोई एक मिलना चाहिए यार, लगता है ऊपर वाले ने ऐसे मर्द को पैदा ही नहीं किया। सिर्फ सक्सेस से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, कोई तो हो जो मुझे टक्कर दे सके। Where is he? सुबह जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ रहा था तब मेरी दादी माँ मेरे वॉइस के वाइब्रेशन कैच कर रही थी। भरत, तेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। किसको पता था ये टर्निंग पॉइंट सस्पेंड करवा देगा। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये डेड एंड है। डेड एंड को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ने वाले को ही असली पुलिस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है तू? विक्रम सर, पावर और बढ़ाओगे तभी ये मुंह खोलेगा। नो सर, ये मर जाएगा। हाँ तो मर जाने दो इसे, क्यों कोर्ट केस और जेल के चक्कर काटने में टाइम वेस्ट करना, सीधा ऊपर के टिकट कंफर्म करा देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नायक कहाँ रहता है ये हम में से किसी को भी नहीं नहीं पता, उसे किसी पर भरोसा नहीं। उसका भाई बबलू ही अक्सर हमारे कांटेक्ट में रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, लेकिन महीने में दो बार वो स्पेन जाता है, वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता साहब। अगर बब्बर शेर को वर्दी पहनाकर ड्यूटी पर भेज दो तो शिकार पक्का। मतलब ऑपरेशन स्पेन। बबलू की गर्लफ्रेंड रहती है पजेसिव इन क्वेनी, अलिसो अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 33। जानता हूँ तुझे स्पेनिश अच्छी आती है, 33 मतलब कितना होता है? 102 भरत, 102। Is everything set? Sure it is. Welcome. वक्त की बात है यार, हर किसी का टाइम होता है और वो टाइम मेरी दादी कुंडली देखकर बताती है। अरे शास्त्री, तू एक काम कर, एसीपी की नौकरी छोड़कर अपनी दादी के साथ मिलकर टीवी में कुंडली बताने का काम शुरू कर। प्लीज, मेरी दादी के बारे में तुम ऐसी बातें मत करो। परफेक्ट पब्लिसिटी उन्हें मिलती ना तो मेरी दादी कहां से कहां पहुंचती। पता है मेरे दादा की डेथ उनके बताए टाइम पर ही हुई थी, बताइए कैसे मुमकिन हुआ? उनके पास बहुत पावर है यार। आज आजमा ही लेते हैं, चल अपनी दादी को फोन कर। हाँ ठीक है, लगाता हूँ। ए, रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे मेरी दादी का कॉलर ट्यून है। हाँ हेलो,
दादी क्या हुआ बेटा, तेरे फोन के वाइब्रेशन से मुझे लग रहा है कि तू अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहा है। अरे देखा ना दादी, मेरे फ्रेंड को आपके दिव्य शक्ति के बारे में डाउट है, लो उसे बात करो। दादी माँ नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम भरत है। ठीक है, चल मेरे कुछ सवालों का जवाब दे, उधर क्या चल रहा है ये मैं तुझे बताती हूँ। तुझे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी में ही बोली। अरे वाह, तू तो देशभक्त है, कॉर्पोरेटर, एमएलए, सीएम, इसमें से तू क्या बनना चाहता है? सीएम। ओहो, तू बहुत ऊंचा सोचता है। अरे दादी माँ, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन। वाह राजकुमार, तेरा भविष्य ये कह रहा है, खुशियाँ बहुत जल्द तुझे ढूंढती हुई आने वाली है। तेरी जिंदगी में एक राजकुमारी आने वाली है। राजकुमारी? अरे सामने तो देख। You are looking for someone? Yes, I am. He's the one. What rubbish? Oh. हेलो, हाँ जेम्स, कमिंग कमिंग, ऑन द वे। जेम्स का फोन आया, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे रिंग तो हुआ नहीं यार। साइलेंट मोड पे डाला है। हम भी साथ चलें क्या? नहीं, मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। Yes. Oh yes. Yeah. You can pack this piece. Oh, this one. Oh, sorry. Sorry. No problem. Yeah. यार शास्त्री, तू कुछ भी बोल। जब भी मैं तेरी दादी माँ से बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है टीवी पर सुबह सुबह कोई साध्वी प्रवचन दे रही हो। उन्होंने क्या कहा? अरे वो लड़की दोबारा यहीं आसपास दिखेगी ऐसा कहा? दिख गई। कहाँ? यहाँ। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे ख्याल से बबलू की गर्लफ्रेंड यही होगी। गर्लफ्रेंड? शास्त्री ये क्या हो रहा है यार? लगता है कि दादी के पावर को यहाँ का टावर कैच नहीं कर पा रहा है। अबे तेरी, तू और तेरी दादी, ये पावर टावर ये सब क्या है? पंक्चर हुए टायर को मेरी गाड़ी में फिट करने की सोच रहा है। उस लड़की को देखते ही मुझे शक हो गया था। तू और तेरी दादी ने एक ही ट्यून में राग सुनाकर मेरा मूड खराब कर दिया। रहने दो, आने दो, कोई ना कोई शॉपिंग मॉल में जरूर टकराएगी। तुझे कैसे पता? I'll pick it up tomorrow. Yeah, sure. देखो वो यहीं आ रही है। What's your problem? Why are you guys following me? अंग्रेजी बिल्ली को डेलिकेट तरीके से डील करना होगा। अरे आहिस्ते बोल, वो सुन लेगी यार। छोड़, इस अंग्रेजी बिल्ली को कहाँ हिंदी आती होगी। मुझे भी हिंदी आती है। आती है तो क्या हुआ? कॉफी शॉप में आए हैं कॉफी पीने के लिए, तुम्हें फॉलो करने के लिए नहीं। बाय द वे, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि तुम्हें कोई फॉलो करे। ज्यादा मत बोलो समझे, तुम जैसे लोकल रोमियो के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। लड़के होते हैं टू टाइप्स, टाइप वन, कोई लड़की अगर जरा सी खूबसूरत है तो इस तरह का फालतू ग्रुप बनाकर लड़की के पीछे पड़कर चीप तरीके से बिहेव करते हैं। टाइप टू, कोई लड़की अगर पसंद आ गई तो डायरेक्ट जाकर डेयरिंग के साथ प्रपोज करते हैं, और ऐसे लड़कों को ही मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। तुम जैसे को देखती हूँ तो खून खोल जाता है मेरा। ए, तू समझती क्या है खुद को? मैसूर में जाओ तो मोगरे जैसी लड़की, कलकत्ता में जाओ तो परी जैसी लड़की, मैंगलोर में जाओ तो हीरे जैसी लड़की, कोलार में जाओ तो सोने जैसी लड़की, बॉम्बे में जाओ तो वहाँ बिंदास लड़की। ऐसी लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी गुस्सेल नकचढ़ी लड़की को मैं फॉलो करूंगा ऐसा सोच रही हो? अच्छा इतनी शॉपिंग करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? This is none of your business. जलेबी जैसी सूरत वाली, तेरा बिजनेस, तेरे पीछे जो है उसका बिजनेस, उसके पीछे जो है उसका बिजनेस, ये सब मैं जानता हूँ। Nonsense. Your bill, sir? How much? 10-3, sir. Okay. अरे यार क्या बताया इसने? उस लड़की का फ्लैट नंबर 102. No. 10-3, sir. 103. को 102 बताया था ना तूने? सॉरी यार, थोड़ा नंबर में गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब वो बबलू की गर्लफ्रेंड नहीं है? श्योर, बिल्कुल नहीं है। तू खामखा उलझ गया उससे। तुम लोग इमीडिएट उस बबलू की गर्लफ्रेंड को ट्रेस करो। और तू? और तू? तब तक मैं जेम्स से मीटिंग करके आता हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी मामा, मुझे कहाँ देर हो गई, हम लोग कब से वेट कर रहे, चल बोट में। मामी वो बोट नहीं, फेरी है। ओहो, दोनों इंग्लिश ही है ना, चल तू। कितना अच्छा है ना?
हेलो छोटी। हाय। तुम इंडियन हो? जी हाँ, मेरा नाम भरत है। आई एम पद्मा। दिस इज माय स्मॉल डॉटर प्रीति। दैट इज वेरी बिग डॉटर परिणीति। हाँ, नहीं नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। प्रीति, परिणीति, कितने क्यूट नाम रखे आपने पद्मा दीदी। यू कॉल पद्मा दीदी? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लगा? आई एम सो हैप्पी। अच्छा ये बताओ, हॉलीडे में स्विट्जरलैंड जाने की बजाय आप लोग यहाँ स्पेन में क्या कर रहे हो? हे यू मिस्टेक, नॉट हॉलीडे, मैरिट होटल में फैशन शो चल रहा है। वहाँ परिणीति अपने डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स प्रेजेंट कर रही है। उसके लिए सेपरेट मॉडल्स लिए हैं क्या? यस। अरे आप खुद कर लेती? ओहो, इस उम्र में कैसे ब्रदर। खैर छोड़िए, अरे आप आंटी के ड्रेस में मॉडलिंग कर सकती हैं और बहुत बढ़िया दिखेंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट अप। परिणीति, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरा नाम भी इसे बता दिया? क्यों परिणीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। परिणीति, बेसिकली मैं भी सेकंड टाइप का ही लड़का हूँ। इसका मतलब क्या है ब्रदर? परिणीति सब जानती है। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ऑफ कोर्स, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अपनी सिस्टर की तरह नहीं हो। मॉम, लेट्स गो आउट ऑफ हियर। बाय ब्रदर। बाय दीदी। वो मुझे दीदी कहकर कितनी अच्छी बातें कर रहा था। तुमने उस वक्त क्या कहा था? मैं गुस्सेल और नकचड़ी लड़की हूँ ना, मेरा चेहरा जलेबी जैसा है, और मैं क्या बिजनेस करती हूँ ये सब जानते हो ना तुम। परिणीति, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे माइंड से डिलीट कर दो अपने। Just go to hell. तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें लगता है कि मेरी दादी ये सब पब्लिसिटी के लिए करती है? पता है मुझे कितना दुख हुआ? इतना दुख तो मेरे दादा के स्वर्गवास में भी नहीं हुआ। छोड़ ना यार शास्त्री, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है तू? तेरी दादी से ज्यादा तो उस परिणीति को मैंने जो मुंह में आया वो बक दिया। उसका नाम परिणीति है, ये कैसे पता चला तुझको? इसकी दादी ने ही बताया मुझे। भरत, वो बबलू की गर्लफ्रेंड आई है। ये तो दिखने में ही खतरनाक लेडी लग रही है। तुम सब इस पर अच्छे से नजर रखना। क्यों, तेरी नजर परिणीति पर रहेगी क्या? यार ये इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है, और ये बात किससे कर रही होगी? अपने फादर से कर रही होगी। लगता है उसका फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का है। पढ़ाई कैसी चल रही है? दिन रात एक करके बहुत मेहनत से पढ़ रही हूँ। मैंने पहले से ही परिणीति आईपीएस का बोर्ड बना कर रखा है। ओके डैडी, डेफिनेटली बनूंगी। किससे बात कर रही है तू? डैडी से। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तेरे पापा ने तुझे आईपीएस बनाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन तू फैशन डिजाइनर बनकर हमें यहाँ ले आई है। आंटी, 1500 स्टूडेंट्स में से हम दोनों को ही सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब हम लोग स्पेशल है ना? फिर भी जो झूठ बोलकर आए हैं वो गलत है कि नहीं? चलो जा रही है। क्या यार शास्त्री, लगता है हम लोग किसी गलत लड़की को फॉलो कर रहे हैं। अरे देख शास्त्री, वो लड़की जा रही है। अरे जल्दी चलो उसको फॉलो करते हैं। क्या यार शास्त्री, कल मैं थी, आज वो लड़की है, अब कल किसके पीछे घूमोगे? किसी तरह से सिचुएशन मैनेज कर लेना है। मैं क्यों सिचुएशन मैनेज करूं? सच्चाई बता देता हूं। देखो मैडम, तुम अलग हो, वो अलग है, हालात अलग है, पर्सन अलग है, पर्पस भी अलग है। तुम्हारा पर्पस क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तुम जैसों से मुझे नफरत है। लेट्स गो। अरे ये क्या है शास्त्री, हालात सुधरने की जगह बिगड़ क्यों रहे हैं? क्या हम जो अपना काम कर रहे हैं वो गलत है? गलत नहीं है भरत, लेकिन कभी कभी लाइफ में ईगो से काम नहीं बनता, हमें सच्चाई बतानी पड़ती है भरत। करेक्ट। हाँ, मैं अभी क्लेरिफाई करके आता हूँ। ओके। हे, तुम मुझे इस तरह फॉलो क्यों कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं इस देश में आया हूँ। तुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी ये सोचकर मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे गलती का एहसास हुआ। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर मैं पसंद हूँ तो गले लग जाओ। यार बता, तू इतनी टेंशन में क्यों है? आज मुझे प्रेजेंटेशन देना है यार। अब तक जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें तेरा ही डिजाइन सिलेक्ट हुआ है ना? जस्ट रिलैक्स, ओके? हे, तेरा बैग कहाँ है? लगता है तू बाहर भूल गई है। ओह नो। हेलो,
इतने दिनों की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। परिणीति प्लीज शांत हो जा। पापा से झूठ बोलकर आई थी, ये उसी की सजा है। लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं तो तुम इरिटेट होती हो, गालियां देती हो, लेकिन उसमें भी एक एडवांटेज रहता है। यू नो समथिंग, डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे लकी मानते हैं। ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर तुम ये कॉन्टेस्ट जरूर जीतोगी। गुड लक। भरत, तुम्हें लगता है बबलू से मिलने आएगा? वो जरूर आएगा। पुलिस वालों में फोकस के साथ साथ पैशन भी होना जरूरी है। अरे वो नरसिम्हा कहाँ गया? अरे फोकस कर रहा हूँ बबलू की गर्लफ्रेंड के ऊपर, जैसे तुम परिणीति के ऊपर कर रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? नहीं, रियल में यार, इसीलिए तो तुम्हारा प्यार सक्सेस हुआ है। प्यार व्यार कुछ नहीं है शास्त्री, लड़कियों को तो यूं ही पटा सकते हैं। हाँ। सेम कलर का ड्रेस पहन कर आएंगी, सेम स्पीच देंगी। हाँ। लव इच अदर कहो या लव सॉन्ग गाओ, तो बस ही इज फैबुलस फेस सोचकर हम पर फ्लैट हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है सर, तुम दोनों तो मेड फॉर इच अदर हो। अबे फूल, शास्त्री सच्चाई बताऊं, वो फैशन डिजाइनिंग में है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, हम दोनों का मैच कभी हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे बहके बहके बातें कर रहे हो? शादी के बाद सब कुछ मैच हो जाएगा। ये, उन्हें कैच करने तक ही ये मैचिंग होती है। शादी के बाद साड़ी में पूरी तरह लिपट कर बस घर के अंदर पड़े रहना है। तुम जोक मार रहे हो, छोड़ो ना बॉस। इसमें काहे का जोक, शादी के बाद उसे घर पे ही रहना है, समझा? और वो उसके माँ बाप को जरा भी अकल नहीं है क्या? शास्त्री तू उसकी माँ को देखना, क्या स्माइल क्या स्टाइल, टूटी फूटी मुंह से निकलती हुई इंग्लिश, यार उनकी बातें सुनते ही कानों में दर्द शुरू हो जाता है। वो सब मिलाकर उसकी फैमिली के बारे में कहूं तो वो होते हैं ना कार्टून नेटवर्क के सारे कार्टून कैरेक्टर्स। अरे छोड़िए ना बॉस, वो सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सुनने के लिए वो अपना कान यहाँ छोड़ के गई है। वो कान के साथ तुम्हारे पीछे खड़ी है। तुमने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक्स कहने आई थी, बट यू डोंट डिजर्व इट। तुम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और, लेकिन एक बात जान लो, लड़कियां भी टू टाइप की होती हैं। टाइप वन जो चीप कैरेक्टर की होती हैं, वो तुम जैसों के पीछे घूमती रहती हैं। टाइप टू ऐसी लड़कियों को बताना बहुत मुश्किल होता है, उनके पीछे युद्ध हो जाया करते हैं। इतने रिस्क के बाद भी उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। मैं उन्हीं में से हूँ, ऐसी दोहरी जिंदगी जीना छोड़ दो। शास्त्री, इसने एंट्री कब मारी थी? जब तूने कहा ना कि लड़की को यूं ही पटा सकते हैं, तभी आ गई थी। ओह, परफेक्ट टाइम। यार इशारा नहीं कर सकता था। अरे मैं इशारा कैसे करता, वो मेरे सामने ही खड़ी थी, हाथ पैर कुछ भी मार देता। वो मेरे ध्यान में नहीं आया सर। अरे जाने दे, छोड़ यार, ये टाइप टू की लड़की है, इसके लिए हम वॉर करेंगे, फिर भी ये मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बॉडी एकदम सुखड़ी है, चेहरा जलेबी जैसा है, ये लोग बिल्कुल सड़ी हुई तरकारी जैसे होते हैं। कलर तो सेम रहता है लेकिन टेस्ट नहीं रहता, लास्ट में गाय या भैंस को डाल दिए जाते हैं। सर अब क्यों हाथ मार रहा है यार, जब मारने का टाइम था तब तो नहीं मारा, अब मार के क्या करेगा? आ गई, कहाँ है? अब के पीछे। शास्त्री, लगता है कनेक्शन पूरा कट गया। 100% हाय। हे हाय भरत, बबलू आ गया। Hi. Hi, sweetheart. My baby, my darling, my sweetie pie. Hey. क्यों बबलो, इतना लेट क्यों हो गया? Hey, कौन है तू? ऑटोग्राफ लेने के लिए ना ही तू कोई बड़ा स्टार है और ना ही मैं तेरा फैन। पुलिस! नायक, कौन है रे तू? पुलिस।
डिपार्टमेंट ने जब से तुझे फरार घोषित किया है तू डेंजर जोन से बाहर आ गया है ये मत समझ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। जब तेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू अकेले क्या कर लेगा? डिपार्टमेंट को भले ही तूने खरीद लिया है लेकिन मुझे तू नहीं खरीद सकता। मैं तुझे ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ। ए, अभी मेरा भाई किधर है? मेरे पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। भाई डर लग रहा है भाई, सेव मी प्लीज। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो तुझे मैं जिंदा दफन कर दूंगा। दुश्मन को मैं मौत के सिवा कुछ नहीं देता। तुझे मैं कहीं से भी ढूंढ कर मारूंगा। जोर से बोल, तुझे मैं कहीं से भी ढूंढ कर मारूंगा। ट्राई करना, बेस्ट ऑफ लक। बबलू, परिणीति, वो देख भरत आ रहा है। क्या है अब, क्या सॉरी कहने आए हो? नहीं, गुड बाय कहने आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे स्टाइल से कहूँ तो लड़के टू टाइप्स के होते हैं। टाइप वन, देख लिया, पसंद नहीं आई, मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। टाइप टू, ऐसे लड़कों को लव मैटर समझाने में आधी लाइफ गुजर जाती है। मैं टाइप वन हूँ। आज अभी के अभी अपने माइंड से मैं तुम्हें डिलीट कर रहा हूँ। तुम भी वैसी हो, तुम भी अपने माइंड से मुझे डिलीट कर दो। चल शास्त्री। ये क्या भरत? ये तूने क्या किया यार, तूने खुद ही उसे अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया। स्ट्रेट जाकर अगर काम नहीं बना तो रिवर्स आना पड़ता है शास्त्री। अब प्यार उधर शुरू हो चुका है, दादी माँ की भविष्यवाणी सही साबित होगी। हम सबके होते हुए मेरा बबलू मारा गया। जिसने मेरे भाई को मारा है मुझे उसे देखना है। दिखने में कैसा है वो? दिखने में तो ऑर्डिनरी मैन ही दिखता है वो, लेकिन पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोलता कम है लेकिन लात घुसा ज्यादा यूज करता है। जज सामने हो तो भी उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकता। दुश्मन की तारीफ करता है। सुनो सर, उसने मेरे भाई की वीकनेस का फायदा उठाया है। उसकी वीकनेस क्या है ये पता लगाओ। ओके सर। कृष्णा भाई को हमसे दूर गए 14 साल गुजर गए, लेकिन उनके सपने उनके इरादे हमसे कभी दूर नहीं हुए और हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जीवन, हमारी सोच और ये पदवी और आप सबका प्यार, ये सब कुछ कृष्णा भाई की दी हुई भीख है। अपनी आखिरी सांस तक कृष्णा भैया जनता के लिए ही जीते रहे। आज भी वो हमारे बीच में ही है। अपनी आखिरी सांस तक वो हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। बिल्कुल, उस वक्त भी वो नेता नहीं थे, देवता थे। देवता कभी मरते नहीं, कभी नहीं मरते। बोलो कृष्ण जी 14 सालों के बाद कोमा से बाहर आए हैं। यह एक चमत्कार है। ब्रेन के इंटरनल पार्ट में गहरी चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ था। ऐसे पेशेंट को हमेशा खुशहाल और शांत वातावरण में रखने से जल्दी रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस अथवा सदमे वाली बात हुई तो वापस कोमा में जा सकते हैं। यह उनकी जान के लिए खतरा है। ये वरदान है या श्राप समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब को खुश रखना है और भाई साहब की जान है जनता, और वो समझते हैं कि जनता भी उन्हें अपनी जान समझती है। तुम्हें भी वो एक एमएलए के रूप में ही देखना चाहते थे, लेकिन तुम जनता से बहुत दूर हो और तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया में नहीं है। ये बातें अगर भाई साहब को पता चल गई तो? नहीं फूफा जी, पापा अभी अभी कोमा से लौट आए हैं, हमारे लिए, जनता को देखने की आस लिए। अगर जनता के प्यार के साथ हमारा भी प्यार जुड़ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी।
इस महल की खुशियाँ छीन कर इस महल का राज दरबार चलाने वाला मैं ही हूँ। क्राइम तो मेरे लिए आइसक्रीम की तरह है। नोबडी कैन स्क्रैच मी। नोबडी कैन स्क्रैच मी नहीं कहना यार। स्क्रैच मी का मतलब है खुजली करना, कैच मी का मतलब है पकड़ना। डबिंग में सुधार लेना ना यार। ए, टेक हो गया, ओके करो ना। मुझे सजेशन दे रहे हो? खुद निगेटिव कैरेक्टर चुनकर पूरा निगेटिव खाते जा रहे हो। और कितना रिटेक करोगे? नुकसान भर कर दोगे क्या? इतना ही एक्टिंग का शौक है तो किसी कला मंदिर में भर्ती हो जाओ। खैर ये सब छोड़ो, अगर एक भी रिटेक और हुआ तो बिना कन्विंस दिए तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ये तो तू मुझे भगा का दिया। तो बैकअप। ये बोलने वाला तू कौन है? मैं डायरेक्टर हूँ। मैं हूँ पीवी भूषण, इस बंगले का ओनर। नो लोकेशन, नो शूटिंग। सर, सर, 10,000 रुपए ज्यादा ले लो। मेरा कुछ ईमानदारम है कि नहीं? मुझे साइनिंग तक नहीं दिया और इसे 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। कौन है ये कॉमेडी पीस? इस घर में रामगोपाल नाम का एक अकाउंटेंट था, उसने ये घर अपने मालिक से खरीद लिया। ये उनकी लड़की को पटाकर सारी प्रॉपर्टी पे अकेला एक कुंडली मार कर बैठा। ऊपर से इसको एक्टिंग का बड़ा वाला कीड़ा है। चलो इतना डिटेल काफी है। जूस पी लेता हूँ, ऐसा कैसे छोड़ दूंगा। क्या बात है मोहन? कौन है ये लड़का? दिखने में हीरो लगता है। भाई साहब इसका नाम भरत है, शूटिंग के लिए यहाँ लोकेशन देखने के लिए आया है। डायरेक्टर लोकेशन फिक्स करता है ना? ओ, ये हीरो का लोकेशन फिक्स करने आया है। भाई साहब ये सिर्फ हीरो नहीं है, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ है। वो जो हमारे भूतपूर्व एमएलए कृष्ण प्रसाद जी थे ना, उनकी लाइफ पर हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म? जी हाँ सर। जानते हो इस हवेली के पुराने ओनर पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग यहाँ नहीं करेंगे तो क्या मंदिर मस्जिद में करेंगे? आपने सही कहा, मैंने शूटिंग की पूरी तैयारी कर ली है। आप पेमेंट क्या लेंगे वो बताइए। पेमेंट देने आए हो तो पेमेंट पूछ क्यों रहे हो? सर क्या हो गया? क्या टाइमिंग है, क्या राइमिंग है। पेमेंट, सिर्फ पेमेंट। यू आर अनबिलीवेबल सर। वाह, तुम्हारा एक्साइटमेंट इस पीवी भूषण को बहुत पसंद आया। पीवी भूषण? पद्म विभूषण। ओह, वो आपको मिला है क्या? मिला नहीं, मैंने खुद ही ले लिया। डोंट वरी सर, मैं जो फिल्म बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको जरूर मिलेगा। मुझे ले लीजिए सर, मुझसे जो चाहिए करवा लीजिए सर। देखते जाइए सर, मैं आपको क्या से क्या बना देता हूँ, शहद की तरह निचोड़ दूंगा। किसको? आपके टैलेंट को। Take slightly towards right. Pan right, pan right. या fix करो। अच्छा, आपको सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है हमें इस कैमरे को थोड़ा लेफ्ट लेना पड़ेगा। ओके, अब जरा लेफ्ट में घुमाओ। नमस्कार, आज के हमारे इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। प्रोफेशनल ना होते हुए भी तुमने हमारा बहुत सपोर्ट किया। अरे क्या तू भी ना यार। मोहन, पापा होश में आ गए हैं, ये बात बाहर किसी को पता ना चले। उनके एहसानों का कर्ज चुकाने का मौका मिला है, मैं ये मौका कैसे जाने दे सकता हूँ। कैसा कर्ज? मुझे सबसे पहले जूनियर आर्टिस्ट का मौका उन्होंने ही दिया था, आज दो वक्त की रोटी उसी बदौलत खा रहा हूँ। ये उन्हीं की दी हुई भीख है। भीख मत कहो, एहसान मानते हो यही बहुत है, आप हमेशा खुश रहोगे। एहसान भी करते हो और एहसान मानने भी नहीं देते हो, आप भी अपने पिता की जैसे ही हो। भाई, आपको इस वक्त मुंबई नहीं आना चाहिए था। I hate advisors. मेरे भाई को किसने मारा ये पता लगाने के लिए तुझसे कहा था। क्या कर रहा था इतने दिनों तक यहाँ? चला है मुझे एडवाइस देने? हाँ भाई, गुरु तलवार के मर्डर के बाद डिपार्टमेंट की सिचुएशन बहुत टाइट हो गई है। कमिश्नर सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखे हुए हैं। तू ये कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम। इमीडिएटली वो ऑफिसर कौन है और कहाँ मिलेगा ये मुझे जानना है। चाचा सुनो, ताऊ जी होश में आ गए। भाई साहब, हमारा भरत एमएलए बन गया है। भरत,
जानकी, जानकी, बहन जानकी, कहाँ हो तुम? भाई साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरा छोटा भाई सत्या कहाँ है? बताओ ना भैया, वो तो मैं क्या बताऊं? अरे चाचा अमेरिका में है, इतना बताने में आप लोग डर क्यों रहे हो? पापा को पता चलेगा तो वो नाराज थोड़ी होंगे। अब अमेरिका चला गया, लेकिन क्यों? एमएस करने के लिए वो अमेरिका गए हैं। वीजा का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए वो आ नहीं पा रहे। ठीक है, रहने दो बेटा, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। अच्छा सुनो बेटा, एक बार उससे बात करने का दिल कर रहा है, जरा उसे फोन तो लगाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस वक्त वहाँ रात है ना, तो सुबह बात कर लीजिएगा उनसे। अरे लेकिन उस वक्त तो हम सोते रहेंगे ना। ये सही कह रहा, अभी बात करना ठीक होगा। हाँ, चल बेटा जरा बात करा दे। रिंग हो रही है। चाचा जी सो रहे थे क्या? सॉरी, पापा बात करना चाहते हैं। ए सत्या, कैसा है तू? मैं फर्स्ट क्लास हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रखता हूँ भैया। हाँ ठीक है सत्या, चलो बात तो हो गई। अच्छा सुनो, वो रुद्रेश, नरसिम्हा, शिवा, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे? ये क्या हो रहा है, ये तो सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप ठीक हो जाएंगे तो पैदल चलकर वो काशी जाएंगे, ऐसी उन्होंने मन्नत मांगी थी इसलिए वो वहाँ गए हैं। भगवान, ये मेरे किस जन्म के पुण्य का फल है जो मुझे ऐसे अपने लोग मिले। अब भरत बेटा, मुझे किसी तरह बाहर ले चलो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जनता से। ठीक है पापा। यही है, यही आपकी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। बेटा आइए पापा, जनता आपसे मिलना चाहती है। कृष्णा भाई जिंदाबाद, 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 कृष्णा भाई जिंदाबाद। ये आर्टिस्ट तो बिल्कुल कृष्णा प्रसाद जैसा लग रहा है। अरे उन पर फिल्म बन रही है तो उनके जैसा ही आर्टिस्ट खोज के लाना पड़ेगा ना। इनमें से लंगूर को थोड़ी खड़ा करेंगे। चल जिंदाबाद बोल। आप सब लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है भैया। सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं मेरा बेटा आप लोगों तक पहुंचा रहा है ना। भैया सच बात तो ये है कि आपके बेटे आपसे भी अच्छे ढंग से हमारा ख्याल रख रहे हैं। तुम जैसे बेटे को पाकर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ एमएलए भारत सर। एवान, ये क्या हो रहा है? शूटिंग के लिए हवेली बुक करके ये सब क्या कर रहे हो? अरे आप हम पर इस तरह शक क्यों कर रहे हैं? कर रहा हूँ। ये कौन सी शूटिंग हो रही है? कैमरा नहीं है, यूनिट नहीं है, जनरेटर नहीं है, जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, जूस नहीं है, मौसम भी नहीं है, लड़कियाँ नहीं है। तुम मर्दों का थोबड़ा देख देख कर मुझे उल्टी आ रही है, मैं क्या करूँ? मिस्टर भूषण जी, रियलिटी शो में वो सब नहीं होता। रियलिटी शो है? हाँ। वो किस तरह? आपने बिग बॉस शो देखा है ना? ये भी उसी की तरह है, बॉस का बॉस शो। बॉस का बॉस शो? कौन सा कॉन्सेप्ट है? कृष्णा जी अगर आज जिंदा होते और उनका लड़का एमएलए बन गया होता तब वो क्या फील करते और कैसे फील करते, ये सब सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सीक्रेट कैमरे में कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दिया तो उसे कोई सीक्रेट कहेगा क्या? वो देखो, इधर देखो, उस तरफ देखो, ये सारे कैमरे कृष्णा जी के कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं और उनसे जुड़े सारे कैरेक्टर्स को स्पॉट की जरूरत के हिसाब से कवर करते हैं। ओके भाई, अब सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन इसमें पीवी भूषण का कैरेक्टर किधर है? आपको पॉजिटिव कैरेक्टर चाहिए या फिर नेगेटिव कैरेक्टर? पॉजिटिव कैरेक्टर करके क्या करूंगा, मुझे चाहिए नेगेटिव, मेरे टैलेंट का फुल उपयोग होना चाहिए। गुड, देखते जाओ। अब कल से मैं आपके अंदर के टैलेंट को किस तरह इस्तेमाल करूंगा। आप पेपर में देखकर इतना खुश हो रहे हैं, जब सामने देखेंगे तो कितना खुश होंगे। मैं सामने देखूंगा? हाँ। कहाँ? चलिए ना बाहर चल के खुद ही देख लीजिए। आउटसाइड अलर्ट, फादर इज कमिंग। क्यों बाबूलाल जी, कैसे हैं आप? क्या बताऊं भाई, उस सूदखोर से मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 25,000 रूपए लिए थे। देखिए ना, ब्याज पे ब्याज लगाकर मुझसे 1,00,000 रूपए लिए उसने। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे तकलीफ के समय हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ए शास्त्री, कौन है वो सूदखोर? मैं हूँ। नागा,
क्या है बोलो? क्यों भाई सुतखोर नागा, सुना है तुम हमारी जनता को बहुत लूट रहे हो? और नहीं तो क्या, मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं उनकी पप्पी लूंगा क्या? क्यों बे, आवाज बहुत ऊंची हो रही है। ये डायलॉग बोलकर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। इस बॉडी के बिल्डिंग का बेसमेंट फुल स्ट्रांग है मेरी जिंदगी की तरह यार। इज्जत से अगर तू सेटल नहीं हुआ ना तो बिल्डिंग का बेसमेंट छोड़ हड्डी भी नहीं बचेगी, समझा? धंधे में धोखा देने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसों को मैं सबक सिखाए बिना नहीं रहता। क्या सबक सिखाएगा, क्या बोल, ऊपर वाले का मिस्त्री है क्या तू? बड़े जोर का मारा यार। इतनी जल्दी ढीले मत पड़ो, सही तरह से रहो। तुम्हारे वीक परफॉर्मेंस से वो लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं, अगर ज्यादा ढीले नजर आए तो तुम्हारा एलिमिनेशन पक्का है। ये क्या तू बाउंड्री का शॉट मार रहा है? अगर तू है मिस्टर बॉन्ड तो मैं भी हूँ यहाँ का अन्ना बॉन्ड। चलो अपना काम करो, अगर ये है भाई तो मैं भी हूँ। ए बड़े पापा, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, ऐसे लालटेन की तरह मुंह क्या लटका के खड़े हो? क्या इनका प्रॉब्लम, बताओ ना क्या? कल शाम होने से पहले तूने जिन जिन से ब्याज लिया है उन्हें इज्जत से पैसा वापस लौटाएगा। सर मुझे सिंगल ब्याज भी नहीं चाहिए, डबल ब्याज भी नहीं चाहिए, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा सर, मुझे मत मारिए सर। ठीक है चा। ये क्या सर, दिखने में मासूम लगते हैं और मारते हैं जल्लाद। निकल। चलो चलो सब घर जाओ, कल पैसे ले जाना। चलो तेरी एक थप्पड़ नहीं उस लालची सूदखोर की हालत खराब कर दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, असेंबली में जाकर देखिए, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनकी बहस सुनकर टेबल थपथपा कर सपोर्ट करते हैं इनका। इंडिपेंडेंट लोग? जी हाँ। हाँ इंडिपेंडेंट लोग, जैसे आपको भाई का सपोर्ट है ना, हाँ? वैसे उनका सपोर्ट इसके साथ है। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, भाई साहब की बात आई तो याद आया, वो इस वक्त कहाँ है? वो कहाँ होंगे, वो तो चले गए। वो चले गए मतलब कहाँ? जाएंगे कहाँ, हिमालय गए गुजरे हुए यादगार पलों की शूटिंग के लिए। वो तो भाई साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अच्छा सुनो बेटा, चलिए पापा। हाँ भाई साहब, आपको आराम से चलिए, जाइए अंदर जाइए। ठीक है बेटा, जाइए। आप जरा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ मेरे मुँह से निकल ही जाता है। नेक्स्ट टाइम देखना मैं परफेक्ट बात करूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं। मोहन। हाँ भाई साहब। उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा ना, अब मैं उसे कहाँ कहाँ थप्पड़ मारता हूँ देखता जा। मैंने सब कुछ सोच लिया है। क्या करेंगे आप? इस पूरे लोकेशन पर उसे शूटिंग करने दिया ना, मुझे डबल पेमेंट देगा तो शूटिंग होगी, नहीं तो पैकअप करवा दूंगा। क्या है? ऐसी बात नहीं है भरत, उसके लिए पीवी भूषण जी मानेंगे क्या? किसी तरह मना कर शूटिंग लोकेशन यहाँ से तुरंत शिफ्ट करवा दो, वरना 2 करोड़ रुपया पीवी भूषण हमसे वसूल लेगा, समझ गए ना? नहीं भरत, उसका परफॉर्मेंस उस रेंज का है ही नहीं। तुझे एक बात पता नहीं है, जब मैंने उन्हें चाटा मारा था तब उनके चेहरे की रिएक्शन देखकर हमारे बॉस के बॉस का प्रोड्यूसर वी रवि चंद्रन भी फुली फ्लैट हो चुका था। क्या बोल रहे हैं? और अगर उनका कैरेक्टर काट दिया जाए तो? अरे उन्हें मैंने कैरेक्टर दिया इसलिए उन्होंने लोकेशन दिया, वैसे भी वो एक्टिंग के लिए पागल है। मैंने फैसला कर लिया है लोकेशन शिफ्ट करना। रुको, क्यों ब्रदर्स शूटिंग नहीं करने का डिस्कस कर रहे हो क्या? वो क्या है ना, हमारा डायरेक्टर है वो ये लोकेशन कैंसिल कर रहा है। वो क्यों? बता ना। बताओ ना। वो लोकेशन कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है ना, इसलिए। ये बात है, लोकेशन फ्री हो गया ना, हैप्पी ना? सर कल जो आपका पैसा लौटाने का सीन है ना, उसके लिए डुप्लीकेट नोट नहीं मिल रहे हैं। तो ओरिजिनल दे दो। हमारे पास कहाँ है इतना पैसा इस वक्त? तो मेरे पास है ना सर। सर पैसे देकर एक्ट करने वाले आप पहले एक्टर हो। क्या मतलब? मतलब आपका परफॉर्मेंस तो है ही लेकिन आपका कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। तभी तो मैं हूँ पद्म विभूषण। बाबूलाल 1 लाख। ये लो। नमस्कार भाई। शंकर। नमस्ते। मैंने तुझे नहीं इनको किया। 50,000। ये लो। नमस्कार भाई। रविचंद्रन सर मेरे एक्सप्रेशन से इम्प्रेस हो जाएंगे, फिर 2 करोड़ मेरे हो जाएंगे। अब मैं नहीं दूंगा सर। दो ना सर। मैं नहीं दूंगा, मेरा मूड नहीं है। पैसे देना तुमने रोक क्यों दिया? मैं नहीं दूंगा, मेरा मूड नहीं है। समझ में आया तुझे? ये क्या सर, मुझे क्यों मारा? मेरा दिल किया मारने का? तुम्हारा सर,
आपने गाल पे चाटा खा के बहुत अच्छा किया है। इससे रविचंद्रन सर बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। तो चुप रहना, तुझे सोडा पिलाऊंगा। चलो काम शुरू करो। सर खड़े खड़े मेरे पैर तो दुखी रहे, आप क्यों अपने पैर दुखवा रहे हैं? आप बैठ जाइए ना सर, मैं पैसे बांट रहा हूँ। आइए आइए, अपने पैसे लेकर जाइए। आइए चलिए चलिए आइए। सर आप परमिशन दे तो आपके पिताजी से आशीर्वाद ले लूं? सर ठीक है जाओ। सर अब तो आप खुश हैं ना सर? ईमानदारी से जियो और सबको भी जियो। सर एक बात और है सर, आपके मुकाबले मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, इसीलिए रविचंद्रन सर का फोकस मेरे ऊपर है। 2 करोड़ का विनर मैं हूँ। ए भरत, क्या हुआ? इसे अभी भी समझ में नहीं आया। 2-4 और 2। आउटसाइड रिलैक्स। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या यार बुड्ढे में बहुत दम है। ओहो, मैं उस बुड्ढे को बोल रहा हूँ, तुम क्यों मार रहे हो? अरे बाप रे, अरे क्या कर रहा है यार? सुनो, छोड़ ना यार, कैरेक्टर। ओह शिट, सर सॉरी सर, कैरेक्टर में मैं भी फुल्ली इन्वॉल्व हो गया था। इट्स ओके सर, लेकिन गेम्स रूल को फॉलो करना चाहिए ना सर। सर माइक में रिलैक्स रिलैक्स बोला जा रहा था। गलती मेरी नहीं है सर, आपका परफॉर्मेंस देखकर मैं फुल्ली इंस्पायर हो गया हूँ सर। आप इंस्पायर होंगे तो मैं एक्सपायर हो जाऊंगा सर। सर कलाकार की कला खून में होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन आपकी पसीने में है सर। पसीने? अच्छा उनसे आपने क्या कहा था? सर मैंने कहा था कि आपके मुकाबले मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, यही गलती की तुमने। किसी भी इंसान को हम एक अच्छे एक्टर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला कैरेक्टर जब हमारी तारीफ करे तो बात बनती है। ओ, ये बात है। ये ठीक है। सर वो लोग कहाँ गए? मेरे पैसे लेकर गए, वापस देने नहीं आए। आपने चेंज होकर अपने हाथों से पैसा दिया, वो चेंज हो जाएंगे तो वापस लौटा देंगे। ओ मतलब मेरे डिमांड से काम नहीं चलेगा, सिचुएशन के डिमांड पर चलना होगा। एग्जैक्टली। क्या ग्रास्पिंग पावर है सर की यार। शास्त्री यार, सर मेरी परफॉर्मेंस कैसी है सर? ये तय करने वाले हम लोग कौन होते हैं? वो तो देखने वाली ऑडियंस ही तय करेगी। ऐसे में रिक्वेस्ट कर दो जाकर। ये बात है सर। हाय, मैं हूँ पीवी भूषण, पूरा नाम पद्म विभूषण। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो बॉस का बॉस टाइप कीजिए, एक स्पेस छोड़िए, पीवीवी ये टाइप कीजिए, 555555 पर वोट कीजिए प्लीज। पुलिस ने नायक के कई अड्डों पर छापामारी करके ड्रग्स, हथियार और कैश बरामद किया है। Very soon, we are going to arrest him and demolish Nayak's kingdom. जिसने मेरे भाई को मारा है उसे मैं और जिंदा नहीं रहने दूंगा, खत्म कर दूंगा उसे, भले ही वो कितना भी ताकतवर हो। कौन है, कौन है, कौन है वो? तुम सबकी मेहनत की वजह से आज हम गुरु तलवार को अरेस्ट कर पाए, बट पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया उसे। सो इट शोज दैट हमारे ही डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है, इसीलिए हम सबको सस्पेंड किया गया। What do you mean? Undercover operation, sir. गुरु तलवार की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक बबलू स्पेन में है और उसे हमें पकड़ना है। आपने हमें सस्पेंड किया है ऐसा मीडिया को, स्पेशली नायक टीम को पता चले। आगे का काम हम संभाल लेंगे। इस केस को हैंडल करने वाली टीम को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया। ऑपरेशन स्पेन। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। खैर ये छोड़, उस नायक से बबलू को मार दिया है ऐसा क्यों कहा तुमने? नायक का सारा ऑपरेशन इसे पता है, ये अभी जिंदा है, ये हमारे कब्जे में है, ये उसे पता चलेगा तो वो इसे मार डालेगा। तुम्हारा नेटवर्क साउथ में नहीं है ऐसा कहा था, तो फिर ये क्या? हमारा मेन बेस साउथ है, फिर भी मैंने नॉर्थ के बारे में क्यों कहा ये जानते हो? क्योंकि हमारे डिटेल्स के बारे में मेरे भाई के अलावा सिर्फ मुझे ही पता है। ये बात अगर बाहर आई इसका मतलब मैं मरा नहीं जिंदा हूँ और ये भाई को पता चल गया है। एक बार वो यहाँ आ जाए तो मेरे से कोई नहीं बचने वाला। तेरी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा ऐसा तू समझ रहा है क्या? क्या कह रहा है ये? सर ये साउथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए सोचा ये बात फोन करके कमिश्नर को बता दे। फोन मैं करूंगा। That's protocol. Sir, call में भी कोई protocol है क्या? Yes. I know everything. Hello. DSP बोल रहा हूँ सर. One second. Gentlemen, if you don't mind, please. Sure, sir.
यस सर। बोलो डीसीपी। सर पता चला है नायक का नेटवर्क साउथ में भी है। गुड, आई नो दैट। भरत को फोन दो। सर सर आप ही बात कीजिए ना सर। अरे वो तुमसे बात करना। आपने अभी तो कहा था कि ये प्रोटोकॉल है। सर वेल डन भरत। थैंक यू सर। What next? अगर यहाँ के सारे गुंडों की हम डिटेल स्टडी करेंगे तो नायक के टच में कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। Fantastic. I know your power and you are powerful. जहाँ गोली लगी थी वहाँ अभी भी दर्द हो रहा है क्या सर? हो ना हो, तुम तो खुश हो ना? Oh shit. उसमें भी तकलीफ है। मेरी बेटी का SMS आया है। मंजुनाथ मंदिर के पास मेरा इंतजार कर रही है, उसे पिकअप करना है। इतनी सी बात छोड़िए ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर ये बताइए आपकी बेटी करती क्या है? नेक्स्ट ईयर उसकी शादी करवानी है, इसलिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। मेरा पूछा हुआ सवाल कुछ और है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। छोड़िए सर मैं समझ गया, मेरी गर्लफ्रेंड है सर। इसमें हंसने की क्या बात है सर? ये वही बात हुई, बाप इज्जत की सोचने लगा तो बेटी बिना बताए फरार हो गई। ऐसा पंडित कह रहे हैं। बाप रे, क्यों गुस्सा आ गया क्या तुझे? नहीं सर, टेंपल आ गया। बेटी परी नहीं थी? आ जाओ। डैडी प्रसाद लाओ, तुम भी ले लो यार। ये मेरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं भरत, मेरी बेटी परिणीति। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्या नहीं किया था? नहीं मतलब आपकी लड़की कितनी संस्कारी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वाह। उसके लिए सही परवरिश होना जरूरी है। मेरी बेटी अभी अभी IPS की ट्रेनिंग लेकर आई है। तेरी गर्लफ्रेंड की तरह बाप को चीट करके फैशन डिजाइन करने वाली। किसी और के मामले में हम क्यों पड़े? ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो कल अपने पति को भी देगी ना। ऐसा भी होता है क्या सर? तुम गाड़ी रोकोगे जरा? किस लिए? बेटा घर आ गया और क्यों? तुम पहली बार घर पे आए हो, आओ कॉफी पी के जाओ। परिणीति जरा रुको। मेरे साथ बैठो तुम अभी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सुनो जी, मुझे अभी सुपरमार्केट जाना था। तो फिर गई क्यों नहीं? बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या? नहीं नहीं जी, मैं तो आपसे पूछकर ही जाने वाली थी। क्यों, देखा ना तुमने, मंगलसूत्र बांधे हुए 23 साल हो गए हैं, आज भी सिर झुका हुआ है। अच्छा। नमस्ते मैडम। आज भी पति के दर्शन को भगवान का दर्शन समझती है? तेरी सास की तरह नहीं जो स्टाइल मार के विदेशी कपड़ों में घूमती हो। हाय डैडी। हाय मेरी छोटी बेटी। आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी आपके फैमिली में ही रहना चाहिए था। इतने सारे डिसिप्लिन अगर उसे मिलते तो वो भी बहुत अच्छी होती। सही कहा, उसका बाप अगर सही होता तो पूरी फैमिली सही होती। गैर जिम्मेदार इंसान होगा। स्टॉप इट डैडी। भरत दिस इज टू मच। क्या हुआ बेटा? कोई इस तरह मेरी बुराई करे मैं ये सहन नहीं कर सकती डैडी। मतलब? स्पेन में जो मुझे मिली थी वो आपकी फैमिली। क्या? जी हाँ सर, जैसा आपने कहा सारी गलती उसके बाप की है, मतलब आपकी है। फैशन डिजाइन के कंपटीशन में 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें फर्स्ट आने का टैलेंट आपकी बेटी में है जिसे आपने नहीं पहचाना, ये आपकी गलती है। बट आंटी ने ऐसा ना करते हुए उसका सपोर्ट किया। अपना सपना आपसे बताने की हिम्मत ना करने वाली आपकी बेटी आज आपको इसलिए बता रही है क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करती है। ये सारी बातें आपके सामने लाने के लिए मैंने जरा सी एक्टिंग की थी। आई एम सॉरी सर। विल यू प्लीज वेट आउटसाइड फॉर अ मिनट? श्योर सर। सॉरी डैडी, मैं सब समझ गया। मैंने सोचा था कि कठोर होके तुम्हें डिसिप्लिन के साथ पालूं, लेकिन मेरी डिसिप्लिन तुम्हें ये सब सिखा रही है, इसका मतलब मुझे खुद को अपने में बदलाव लाना होगा। आज के बाद जिसकी जो मर्जी है वो करो, लेकिन मुझे बता के करो, किसी तीसरे के मुंह से नहीं सुनना मुझे। सर चलो चले। हुँ.
बहन जानकी। हाँ भैया। तुलसी। जी भैया। चक्रपाणी, चक्रपाणी कहाँ हो? आ रहे हैं भैया। आओ सभी, आओ। क्या हुआ भैया? बताता हूँ, पहले बैठ जाओ। आज तारीख क्या है? अप्रैल की 24 तारीख है। मतलब भाई साहब का जन्मदिन है, बर्थडे। आ गए हमारे भाई साहब। आज सारे चैनल्स वाले सिर्फ भाई साहब के बारे में ही बताएंगे और गाना भी दिखाएंगे और उनकी स्पीच भी दिखाएंगे। मैं उनका फैन हूँ, मुझे नहीं पता क्या? हाँ, जब उनके घर वाले और चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देंगे तो इन्हें पता नहीं चलेगा। आओ बेटा बैठ जाओ। पूरे देश की जनता भाई साहब को चाहती है। मेरे देशवासियों और मेरे चाहने वालों, मेरे परिजनों और मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों। अरे अरे अरे, आजकल ऐसे इंसान कहाँ है? आजकल तो सबको सिर्फ पैसा ही दिखता है। मुझे अपनी जिंदगी में सही राह नहीं दिख रही थी। उस वक्त मुझे ये फिल्म जगत वालों ने सही राह दिखाई। इसमें कई लोगों का सहयोग है, कई लोगों का प्यार है और लोगों की दुआएं हैं। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर ये जन समूह और इन सब का प्यार, इनका स्नेह, इनके आभार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मेरी जन्मभूमि यही है, मेरी कर्म भूमि यही है। आपने जो मुझे प्यार दिया उसका मैं ऋणी रहूंगा। मेरा वादा है कि अंतिम सांस तक मैं कला की सेवा करता रहूंगा। सुना ना तुम लोगों ने? क्यों दुखी हो रहे हो बेटा? जिस तरह माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं उसी तरह तुम अपने पिता की देखभाल कर रहे हो। तू जैसे बेटे को पाने के लिए हमारे भैया ने बहुत पुण्य किए होंगे। बहुत से बच्चे अपना फर्ज निभा नहीं पाते हैं, लेकिन तू वो फर्ज अच्छी तरह से निभा रहा है। टेंशन में क्यों लग रहा है यार? नायक इंडिया आया है, ऐसी इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट है। कमिश्नर को फोन लगा रहा हूं तो उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो, ए पुलिस, एमएमएस देखा क्या? अगर अपने कमिश्नर को जिंदा देखना है तो तू मेरे भाई को लेकर आएगा, वो भी अकेला। चमचों को लेकर घूमने वाला मर्द नहीं हूं मैं, शेर हूं। आ रहा हूं। मेरे आदमियों ने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दिखने में ऑर्डिनरी लेकिन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोलता कम है, करता ज्यादा है, मल्टी टैलेंटेड। जैसे फोन पर तूने पुलिस कहा वो स्टाइल अच्छी लगी। दाद देता हूँ तेरे पावर की और कॉन्फिडेंस की। भरत, मैं भी अब तक 34 मर्डर कर चुका हूँ। 16 कंट्रीज की पुलिस पीछे है। 113 केसेस में मैं वॉन्टेड हूँ। जिसने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की उसे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। उनमें तेरे डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। जो भी मुझे ढूंढते आया उसे सिर्फ मेरी फोटो मिली। मुझसे रूबरू मिलने का मौका सिर्फ तुझे मिला है। दिस इज माई ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा है ये किंग नायक। ए नायक, मैं यहाँ आया हूँ तेरे भाई को यहाँ छोड़कर जाने के लिए नहीं, तुझे घसीटते हुए ले जाने के लिए। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन 2008 IPS बैच। मैं जब खाकी पहनता हूँ तो सारे गुंडे अपना रास्ता बदल देते हैं और जो सुधरना नहीं चाहते वो दुनिया छोड़ देते हैं। एंटी टेररिज्म स्क्वाड में जब मैं था तब 26 लोग थे और जब एंटी राउडिज्म स्क्वाड में था तब 43 लोग थे। जब अंडरकवर ऑपरेशन में था तब कोई हिसाब नहीं था, बिकॉज फाइनल डिसीजन मेरा था। ये सब मैंने कर दिखाया सिर्फ 5 years। इट्स नॉट जस्ट माई रिकॉर्ड, इट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड। वाह वाह वाह, हिम्मत की दाद देनी होगी। इट्स इन माई ब्लड। लेकिन तेरा कमिश्नर मेरे पास है,
कमिश्नर सर। ओके तूने जब मुझे अखाड़े में बुलाया तब तेरी किस्मत बदल गई। शिकार करने वाले शेर को तूने बर्थडे पार्टी पे बुलाया। मुझे एक मिनट काफी है शिकार करने के लिए, दो मिनट काफी है चीरफाड़ करने के लिए, और तीन मिनट में दफना कर चल देता हूँ। कमिश्नर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ड्रॉप इट। नहीं भरत बेटा, मेरी बात सुनो। पुलिस वालों को कभी क्रिमिनल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। भरत भरत नहीं बेटा, भरत डोंट ड्रॉप द गन, भरत शूट हिम। भरत मैं नहीं बच पाऊंगा सर। उस नायक तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है भरत, एक तुम ही हो जो उसे मात दे सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ भी करो लेकिन उसे मार दो। डोंट लीव हिम, डोंट लीव हिम भरत। अपना ये सड़ा हुआ रेडियो बंद कर दे। कूल भाई साहब कूल, इतना गरम मत होइए। किंग की तरह जीने वाले को भिखारी के जैसे भटकने के लिए मजबूर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ये भी नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। शुक्र है कि आप वहाँ से जिंदा आ गए। एक बात तो सोचने वाली है बॉस, कि एक अकेला आदमी आता है और आपकी पूरी गैंग की बैंड बजाकर चला जाता है। मेरे हिसाब से बॉस उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लो चाय पी लो। अरे भाई, नहीं भाई,
अगर ये नहीं रहेगा तो हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन बताएगा भाई? किसी ने सच ही कहा है कि बुरे वक्त में जिसे अपने घर में पना दो वही उसके चूल्हे पर शुशु कर देता है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। कूल बॉस कूल। मेरा नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते थे और आज ऐसे नालायकों के मुंह से कूल सुनना पड़ रहा है। कलीम तू कैसे करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहिए मुझे। जीजाजी आप जानता है ये कौन है? कृष्णा भाई साहब का बेटा भरत। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। मेरे पापा को भगवान मानने वाले आप उस नायक को कैसे भगवान मानने लग गए? बताता हूँ। ये मेरा इकलौता सहारा था, कल तक ये बिल्कुल ठीक था, नायक के आदमी ने इसे मार दिया साहब। भैया इसकी मौत की वजह है डुप्लीकेट नोट। नायक का पार्टनर इससे नकली नोटों का धंधा करवाता था। ए, सब कुछ जला कर राख कर दो। ए, सुनो, लोगों को बर्बाद नहीं आबाद करना सीखो। आज तेरे कारण एक इंसान की जान चली गई, सुधर जाओ तुम। अभी तो सिर्फ मैंने तेरा एक अड्डा जलाया है, कल तुझे ही जिंदा जला दूंगा। जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं, वहां तक मेरा बिजनेस है। तुम्हें कितना चाहिए? ए, जैसा तुम समझते हो वैसे हमारे कृष्णा भाई करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है, लीडर, मास लीडर। और मैं हूँ बॉस। नोट फेंक कर अपना काम निकालने वाले को कहते हैं बॉस, और मजदूरों की सेवा करके उसका साथ देने वाले को लीडर। तुम्हें माफिया के बारे में नहीं पता। सुनो, घर आए हुए इंसान को मेहमान समझ कर इज्जत देना हमारी शराफत है, सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। ए, 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 क्या कर रहा है? क्या हुआ तुझे? भाई इलेक्शन का टाइम है ना, हाँ? इसलिए ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जरा गाड़ी को साइड में लगाओ। ठीक है भाई। भैया, भैया, सत्या, तुम भैया को लेकर जाओ। उठो भैया। रुको, रुको। उतार, चालीस उतार। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे पता चला कि भैया और सत्या इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मैं घर आया, तब पता चला कि घर भी बिक चुका है, और फिर मैं कृष्णा भैया की मौत का बदला लेने के लिए वहां से निकल पड़ा। हमारे रास्ते का काटा कृष्णा भाई की कहानी खत्म हो गई। हमें पुलिस का सपोर्ट हर हाल में मिल ही रहा है, अब हमें पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए हमारा नरसिम्हा है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता ये मानती है कि कृष्णा प्रसाद एक्सीडेंट में चल बसे हैं, इसीलिए हम सेफ हैं। अगर सच्चाई सामने आ गई ना। पता चल गया है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है धोखेबाज कहीं के। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन डेविड नाम के एक कैदी से मुझे पता चला कि अपने भाई को छुड़ाने के लिए नायक इंडिया आ रहा है, और जैसे ही मुझे ये पता चला कि नायक इंडिया आ रहा है, मैं उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन फिर भी वह बच गया। तब मैंने सोचा उसके भाई को अपने कब्जे में लेकर उसे मजबूर कर दूं। शिवा भाई, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि कृष्णा भाई जिंदा है, सही सलामत है। सच? जैसे ही तुमने फोन किया, तुरंत ही हम एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच गए और आसपास के गांव वालों की मदद से कृष्णा भैया को हॉस्पिटल ले जाकर उनकी जान बचाई। फूफा, आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम अपने चाचा को खो चुके थे, तुम्हारे पापा के भी बचने की उम्मीद नहीं थी, कहीं तुम्हें भी कुछ ना हो जाए इस डर से
हमने तुमसे ये बात छुपाई। शिवा भैया कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं भैया? मैं भी ठीक हूँ। शिवा, रुद्रेश और नरसिम्हा कहाँ हैं? वो लोग काशी रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाया भैया, आपको देखने के लिए दिल बहुत तड़प रहा था। तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारे सत्या को वीजा नहीं मिल रहा है, उसने कहा है वीजा मिलते ही मैं आ जाऊंगा। तू आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। जिसने तुम्हारे चाचा को बेमौत मारा है वही जिम्मेदार है तुम्हारे पिताजी की इस हालत के लिए। उसे जिंदा नहीं छोड़ना है भरत। नहीं छोड़ूंगा। पापा को उन्होंने जितनी चोट पहुंचाई है उससे कहीं ज्यादा चोट मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। मेरे दिल में चलने वाली बदले की आग उनके खून से ही बुझेगी। यह है नरसिम्हा, कैबिनेट मिनिस्टर, तुम्हारे पिताजी का फॉलोअर रहा है और शायद इसी वजह से जनता इसे आज भी वोट दे रही है। यह है रुद्रेश यानी रुद्रा, इसके ऊपर 13 मर्डर केसेस हैं। और यह है मल्लेश, बिजनेसमैन, कोई भी लेनदेन हो ये तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं। और ये दोनों इसके लड़के हैं, रामू और सोमू, और ये लड़कियों का दीवाना है। इसके गले में एक मशीन फिट है, उसी के सहारे ये बोल पाता है। ये सभी लोग बहुत ही पावरफुल हैं और इसी वजह से अब तक बचते आए हैं। कुछ दिन हमें सारे रूल्स भूलकर इन पर काम करना होगा। भरत, एट एनी कॉस्ट वी शुड नॉट मिस नायक, और यही तुम्हारा इस देश के लिए सच्चा तोहफा होगा। थैंक यू सर। गुड। नॉर्मल तरीके से उसकी एक्टिविटी रोकना मुश्किल है, आगे भगवान मालिक। ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका मामूली प्लान भी बहुत डेंजरस होता है, ऊपर से आप इसे एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं, मुझे इसके साथ चलने में तकलीफ होगी। डोंट वरी डीसीपी, तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी को देखकर मैंने तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। सर कहां सर? ट्रैफिक में। ट्रैफिक? ये तो अफ्रीकन चिंपांजी जैसा लग रहा है। ये कंगला गांव का मनशाराम का बेटा है और नाम बिहारी लाल है। शॉर्ट एंड स्वीट में इसे बिहंगी कहते हैं। बिल्कुल सही नाम है। कर्जदारों से अपनी जान बचाने के लिए अपने दूर के रिलेटिव मंत्री नरसिम्हा के यहाँ नौकर बना हुआ है। लेकिन इसका हीरो बनने का सपना आज भी स्ट्रांग है भरत। ही इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमारा पहला टारगेट होगा मिस्टर बिहंगी। आटे को अच्छे से गूंद कर अपने हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहित खा जाने वाला ये है चीव चंद्र चूर नाथ। कट 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 कट। छी। इस तरह बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, चप्पल की बारिश होगी। साइड प्लीज साइड। एक्शन। आटे को गूंद कर हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहित खाने वाला ये है चीव चंद्र चूर नाथ। अरे कट 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 कट। अरे ये क्या है, इस तरह डायलॉग बोलोगे तो लोग सिनेमा हॉल में नहीं होटल में पहुंचेंगे। ठीक है सर, मैं नहीं बोल पाता तो आप ही बोलिए सर। मैं क्यों बोलूं? ये तो कला को भगवान मानने वाले वो बिहंगी जी ही बोल सकते हैं। सर मैं हूँ बिहंगी सर। बोलो सर। एक्शन बोलिए सर। एक्शन। आटे को गूंद कर हाथ से चपाती बनाकर प्लेट के साथ खा जाने वाला ये है चंद्र चूड़ा नाथ। फैंटास्टिक सुपर। ए जाओ जाकर इसके साथ थाली धोने का काम करो, टैलेंट इंप्रूव हो जाएगा। सर आप ही है हमारे फिल्म के हीरो। सर 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 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस लंगूर जैसे दिखने वाले कोई हीरो बना लीजिए, आपके फिल्म को दूर से ही नमस्कार। ए जा जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चल निकल जा। सर आपके इमोशंस देखे तो मैं सच में इंप्रेस हो गया। वैसे एक्टिंग में आपको इंटरेस्ट तो है ना? आज से ही नहीं, पैदा होने के पहले से ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। वेरी गुड सर, आई एम सो हैप्पी। क्यों, मेरा डायलॉग सुनने के बाद क्या? नहीं 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 नहीं, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है इसके लिए। सर मेरे सिर्फ एक डायलॉग से आप इतने इमोशनल हो गए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट भरा है। आप चकरा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, सच कह रहा हूँ सर। दिखाओ सर। दिखाओ। तैयार हो जाइए। पुलिस एक शब्द नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है जिसके अंदर धधकता हुआ लावा होता है। चुराख बना दे। वाह क्या तारीफ की है खाकी की, ये स्टाइल ही काफी है दीवाना बनाने के लिए। सुपर। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये वाला देखिए सर। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मनमानी की तो मैं तुझे मार डालूंगा, तुझको भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा। तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, मैं वहाँ भी पहुँच जाऊंगा। तू इंग्लैंड में भी ऐसे नाटक करेगी तो वहाँ के लोग भी ऐसे भीड़ लगा के देखेंगे। दुनिया में फालतू लोग बहुत हैं जिनको फ्री एंटरटेन चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंग्लैंड। महात्मा गांधी जी को जानती हो? पूरी दुनिया के लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं भी उनके बताए अहिंसा के रास्ते पर चलता हूँ।
हूँ समझी, वरना अब तक बाहर डालता। तुझे पता है उन्होंने क्या कहा था? अभी दिखाता हूँ। ये देखा तुमने, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये है हमारे गांधी का देश। हमारे इस देश में शांति, सौहार्द, संस्कृति सब कुछ है। यहाँ तक कि अगर उनके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो तो भी कुछ नहीं बोलते। ये देखो, ये है गांधी जी के असली फॉलोअर। इनके जैसे लोगों से ही इस देश में शांति, सौहार्द सब बरकरार है। इनके लिए तालियां बजाओ सर। ये है हमारा देश, भारत देश महान। इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या डायलॉग है सर, यू आर अ रियल स्टार। बकवास बंद। हमारे दरबार में आकर हमारा आदर करने के बजाय हमारा अपमान कर रहा है मूर्ख। हर सही गलत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुझे नहीं। वाह वाह, क्या एक्टिंग करते हैं आप। कमाल की एक्टिंग। देखो लास्ट है ना। बिल्कुल शिवराज कुमार लग रहे हैं। नहीं मैं हूं सर, पूरे शरीर में मैंने भस्म लगाई हुई है, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। कहाँ थे सर? अभी तक तो पर्दे के पीछे था सर, आप लोगों की दुआ रही तो पर्दे के आगे आ जाऊंगा। अगर मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूंगा तो उस फिल्म के हीरो आप ही होंगे। थैंक यू सर। तुम्हारा स्क्रीन मेमो होगा बिहंगी किडनी। किडनी? क्यों, जॉनी लीवर नहीं है क्या? फेमस एक्टर, उनके लिए लीवर टाइटल कितना फायदा दे रहा है। तो किडनी से मुझे फायदा होगा सर। लेकिन प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट करने को तैयार ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, नए हीरो को लेकर फिल्म स्टार्ट करने पर कोई साथ ही नहीं देता। पुराने चेहरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे हम लोग? सर आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप इरादा कर लीजिए, फिल्म के लिए प्रोड्यूसर हमें मिल जाएगा। कैसे? सर आपके मामा वो बैंकॉक वाले बद्रीनाथ, हाँ। उनको अपनी वल्लारी माइनिंग एरिया वाली लैंड बेचनी है ना, अगर आप उसे बिकवा देंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। मैं क्रिएटर हूँ, मेडिएटर नहीं। सर ऐसी बात मत कीजिए सर, एक कोशिश कीजिए मेरी खातिर सर, अपने खातिर सर, और अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो क्या करूँ, स्क्रीन प्ले का काम छोड़कर बायर ढूंढता फिरूँ? बायर तो है मेरे पास। अच्छा कौन है वो? अपना मिनिस्टर नसीम है, समझो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, फटाफट कमीशन बताओ। सर 1% भी होगा तो 4 करोड़ बनते हैं। फिर वही चिंदी बात, टेक 2%। सिनेमा में ग्रैंजर होना चाहिए, ग्रैंजर। सर ये सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है यार, उस कमीने ने कितने की गर्दन मरोड़ कर पैसे बटोरे पता है? मुझे पता है। ये ईमानदारी की फीलिंग छोड़, बस तू फ्रेमिंग की तरफ ध्यान दे। ठीक है बिहंगी। बिहंगी किडनी, बिहंगी किडनी की जय। कहाँ हो भाई जी? इतना लेट। अरे दादाजी, दादाजी मेरा हेलमेट ना किसी कमीने चोर ने चुरा लिया है, अगर तुम कुछ पैसे दोगे तो मैं दूसरा हेलमेट ले लूंगा। मैं हेलमेट की क्या जरूरत है बुढ़ाऊ, पैसे के पेट पर उठते हैं, इस उम्र में लॉलीपॉप खाओगे? चुपचाप सूप पी के पलंग पर पड़े रहो, जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की सूरत देखकर तुम्हारे सारे जुल्म को सह रहा हूँ, लेकिन याद रखो वो भगवान तुम्हें एक ना एक दिन सजा जरूर देगा। देखो सच है, सच है, हक सच है, मुझे पता है। हेलो कौन है? सुनो मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। तुम रविचंद्रन बोल रहे हो? यस, सपनों का सौदागर रविचंद्रन। सर आप कैसे हैं सर? आई एम ओके। आज मैंने तुम्हारे रियलिटी शो की सीडी देखी। यू आर अनबिलीवेबल एक्टर। वाह वाह वाह। बट कृष्णा प्रसाद रियलिटी शो में तुम्हारे टैलेंट को कट क्यों सर नहीं किया जाएगा, ऐसा फैसला लिया है, तो तुम काम करोगे? हाँ क्यों नहीं सर। ए बुढ़ऊ जाना। सर 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 आपने मुझे सही पहचाना सर। आपका जवाब नहीं सर, शोमैन क्रिएटर जो भी लेजी है आप उसे क्रेजी बना देते हैं सर। अच्छा मैं एक नया रियलिटी शो प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ विद फ्रेश कॉन्सेप्ट, क्या आप उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे? उसमें प्राइस की गारंटी है। थैंक यू सर। कुछ ही देर में मेरी क्रिएटिव टीम वहाँ पहुँच जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट समझा देगी। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कम इन। कौन आ रहा है? तेरा बाबा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ बैठो बैठो। What's a reality show? New concept! क्या बात है? हमारे यहाँ पहुँचने से पहले आपको कैसे पता चला? रविचंद्रन जी का फोन आया था क्या आपको? रविचंद्रन जी किए थे, क्रिएटिव आई वाले करते रहते हैं, बालाजी वाले भी करते रहते हैं, मनोरंजन का तो रोज ही आता है। आहा, कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? सर इस कॉन्सेप्ट का नाम है लैंड विद माफिया। वाह, टाइटल तो बहुत जानदार है। मेरा कैरेक्टर क्या है? आपके कैरेक्टर का नाम है बैंकॉक बद्रीनाथ। बैंकॉक। हेलो नीचे आइए, और नीचे। आप पूरी तरह से नीचे नहीं है, आपका सिर्फ नाम है बैंकॉक बद्रीनाथ, कोई मसाज वसाज नहीं है। बहुत रिच है क्या? हद से ज्यादा रिच है। कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं। इसके अलावा इस शो में रियल कैरेक्टर पर भी काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल
मिनिस्टर नरसिम्हा जी। चप्पल से मारूंगा कमीने को। हाँ, रोड में कमीशन, पानी में कमीशन, बिजली में कमीशन, सत्यानाश हो उसका, जो भी मिलता है निगल जाता है। इस शो में उसका नाम भी मत लेना। मेरी हवेली का 2 करोड़ रुपए प्राइस फिक्स। फिक्स है? क्या फिक्स है? 2 करोड़ रुपए भी मैं ही लाऊंगा, इसीलिए मैंने फिक्स का नाम लिया। मेरा कैरेक्टर कब से स्टार्ट होगा? कल से। कल से? हाँ, इसे आप अपने पास रखिए सर। पेन है, मैं इसका क्या करूंगा, राइटर को दे दो ना। ये वो पेन नहीं है। हाँ। ये पेन कैम है। हाँ। आपकी सारी एक्टिविटीज को क्लोजली कैप्चर करने के लिए। ओ। इस डिस्टेंस में नहीं, यहाँ से। ज्यादा हो गया, सांसें रुक जाएंगी। मेरी सांसें? नहीं, पेन की। तो फिर सारे लोगों को ऐसे ही पेन दिया हो क्या? नहीं सर। हाँ? किसी को बटन में दिया है, किसी को वॉच में दिया है, किसी को ग्लास में दिया है। सुपर सर, मैं परफॉर्मेंस आराम से कर सकूंगा। कैमरा कहाँ है मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर देखते जाइए सर, मेरा परफॉर्मेंस। Wow, isn't this fantastic? Yeah. Hi. Thank you so much. उस दिन तुम्हारे आने के बाद से मेरी डैडी बदल गए हैं। He's encouraging me. Good, na? मैं बाद में मिलता हूँ। You go now. मैं नहीं जाऊँगी। क्या कर लोगे? मेरा कहना मानो। नहीं मानूंगी। तुम पुलिस वाले हो इसलिए तुमसे डरूं? मेरे डैडी भी पुलिस में हैं। Just go. I said no. I said go. I said no. मैं उससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। सुन, एंट्री अगर रॉन्ग हुई ना तो उसका इफेक्ट भी रॉन्ग होता है। पता नहीं वो पुलिस वाला कौन से ऑपरेशन में है, तू समझने की कोशिश कर यार। डायरेक्टर होकर के लड़कियों को थप्पड़ मारते हैं क्या? और नहीं तो क्या, वो कह रही थी आप उसके साथ हीरो बनकर काम करें। मेरे साथ अच्छी तो थी। अरे सुनो बिहंगी जी, आप पागल हो गए क्या? आपके साथ काम करने के लिए ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, उस रेंज की हीरोइन को लाने की सोच रहा हूँ, तो आप ये क्या अरे के साथ काम करने का शौक पाल रहे हैं? बहुत ऊपर की सोचते हो तुम। मुझे भी थोड़ी पैडिंग वैडिंग लगेगी ना। अच्छा वो मिनिस्टर से तुम्हारा परिचय करा दूं? आओ चलो चलो। सर डायरेक्टर भुवनेश्वर। हेलो, मेरे दोस्त हैं बैंगा कॉलेज बद्रीनाथ जी, है ना, उनके भांजे। एक बात बताओ। हाँ बोलो। साथ में मिलके काम करते हैं, जैसे मैं आपके साथ। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अगर आप अपने मामा से मुझे मिला देते तो लैंड डीलिंग की बात पक्की कर लेता। मेरे सारे पार्टनर्स तैयार हैं। मेरे मामा इस वक्त एंटरटेनमेंट के मूड में हैं, सो इन्वेस्टमेंट के मूड में आएंगे नहीं डाउट है। मीटिंग कल रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन 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 डन। कौन है बे तू? बड़े भाई, ये हैं बैंकॉक वाले बद्रीनाथ जी। नमस्कार। और ये हैं इनके भांजे भुवनेश्वर। ये हैं हमारे पास बड़े भाई, और वो हैं रुद्रेश भाई। भैया कल की पार्टी में ये बड़े अच्छे मूड में थे, नोटों को तो ऐसे कागज की तरह उड़ा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ के लोगों से सुना है कम से कम 10 लाख तो उड़ाया ही होगा। ए, याद रख यहाँ का नौकर है तू, कैशियर नहीं। जाके सबके लिए कॉफी लेके आ। जाता जाता। ये सब क्या है? आप हमारे हीरो हैं, आपसे ये कॉफी मंगवा रहे? टेंशन मत लो सर, जब से आपने ऐसे हीरो साइन किया इनको जलन हो रही है। लेकिन आप फिल्म मत कीजिए, मैं इसे एक फिल्म के कैरेक्टर की तरह ले लेता हूँ। आप कॉफी लेंगे या टी? टी। यस। बात करो। तो हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बात कुछ नहीं है, मेरे मामा जी सिंगापुर में एक 7-स्टार होटल बनवा रहे हैं, तो जरा लिक्विड कैश की जरूरत थी, इसलिए इनके बिल्लारी माइनिंग एरिया में जो 250 एकड़ जमीन है उसे ये बेचना चाहते हैं। बटन कैमरा। मार्केट वैल्यू 8 करोड़ पर एकड़ है, मुझे कैश की जरूरत है, इसीलिए पर एकड़ 5-6 करोड़ में दे दूंगा। टोटल है 250 एकड़, आपको कितने में पड़ेगा आप बात करके तय कर लीजिए। बस और कुछ कैश का इंतजाम हो जाएगा, बट आप लोगों का भरोसा कैसे करें? भांजे मामा, आफ्टर ऑल 1250 करोड़ इनके पास नहीं है तो फिर मैं ये डील नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक दिस पीपल। बैठ जाइए। बैठ जाइए। ओके सर, आफ्टर ऑल 1250 करोड़ रुपए का सवाल है। देखिए
अगर आपको इन पर विश्वास नहीं है तो इन्हें बुरा लगेगा, फिर उसके बाद डील कैंसिल हो जाएगी। भाई साहब आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं, ये बच्चा है, इसे एक्सपीरियंस नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स लाकर दे दीजिए, डील सील कर देते हैं। ओके, तो भांजे डॉक्यूमेंट लाकर इनके मुंह पर फेंक दो। ओके। आपकी चाय। अरे आप कैरेक्टर में हो सर। लीजिए। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम, उठो, उठो, सारी की सारी चाय गिरा दे। दिखाई नहीं देता क्या बंदर? क्या सर आपकी इतनी बेइज्जती? डोंट टेक टेंशन सर, आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। दुनिया का कौन सा एक्टर है जिसके साथ ये सब नहीं हुआ है सर? इधर देखिए। ये क्या है सर? मेरी जुबान पे तिल ही तिल है सर। हाँ। अगर शराब दे दिया तो सर्वनाश हो जाएगा इन लोगों का, लेकिन क्या करूँ, हिंसावादी हूँ। गुड सर, ये सारे शैतान एक दिन आपके पैरों पर गिरेंगे। अच्छा, आप जिस दिन स्टार बन जाएंगे उस दिन आप इन सब शैतानों को जूते से मारना। नमस्कार। कॉफी बहुत ही अच्छी थी, किसने बनाई थी? सर आपको रिसीव भी मैंने ही किया था। सर इन तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ सर। उसका तुम्हें ये देंगे। अब भांजे लेट्स मूव। सिर्फ कॉफी बनाने और रिसीव करने का दो लाख, एक और मिलके तो तीन हो जाएंगे। हमारे बबलू की मौत का जिम्मेदार ये भरत है, लेकिन आज कल ये भरत अपनी टीम के साथ अपने फादर के ट्रीटमेंट के बहाने बेंगलुरु में रहकर अंडर कवर ऑपरेशन कर रहा है। अरे वाह, ये बताओ तुम्हें अपना सर फोड़वाने के लिए और कोई पत्थर नहीं मिला क्या? ये तो एक पावर हाउस है, पावर हाउस, इसको छूते ही समझो खत्म। एक बार एक किलर मेरे पास आया था, मुझसे बोला मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, मैंने बना कर दिया। बस एक निवाला ही खाया था कि एक गोली आई और उसके अंदर घुस गई। सिर्फ 10 सेकंड में ही 10 लोगों का शिकार करने वाला शेर है ये। रिवेंज वेंज के बारे में छोड़ो, बस ये सोचो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। ए, अपने भाई के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर कह रहा हूँ कि जिद मत करो, तुम्हारा भाई तो चला गया लेकिन तुम तो हो रोने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कौन रोएगा? बकवास बंद कर, तू जाके कॉफी लेके आ। कूल बॉस, कूल। लो अभी बात ही कर रहे थे और उनका फोन आ गया। हाँ भाई, मेरा एक दुश्मन है पुलिस वाला जो इस वक्त बैंगलोर में है, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल कलेक्ट करो। वो कौन है भाई? फैक्स से तुम्हें फोटो मिल जाएगी। ठीक है भाई। हाँ, ये लो गर्मा गर्म कॉफी पियो और एकदम कूल हो जाओ। ठीक है, इस फोटो को फैक्स करो, नंबर पीछे लिखा है। तुम लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं, वक्त जब बुरा आता है तो ऊंट पर बैठो तो भी कुत्ता काट लेता है। भैया ये फोटो जरा फैक्स कर दीजिए। हाँ अच्छा। ये कौन है? क्या ये फिल्म आर्टिस्ट पुलिस ऑफिसर बन गया क्या? मुझे गन दिखाकर डराता है ना। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। अरे आजकल कई पुलिस वालों ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो सब छोड़ो, नायर भाई का जब फोन आया था तो हम वल्लारी के लैंड मैटर पे डिस्कस नहीं कर रहे थे क्या? इतना उतावला मत हो नरसिम्हा, वो कौन सा लैंड है, उसका ओनर कौन है, बिना जानकारी के अगर हमने उसमें हाथ डाला तो हमारा कुर्सी पाया हिलने लगेगा। सुन रामू, बल्लारी में कोई बैंकॉक बद्रीनाथ नाम का कोई माइनिंग ऑनर है क्या? भरत, रुद्रा बल्लारी से कॉल कर रहा है। ऐसा यहाँ कोई नहीं है भाई, फिर भी इंक्वायरी करके देखता हूँ ना। ठीक है, 10 मिनट में इंक्वायरी करके बताओ। ठीक है भाई। हाँ बोल भाई। मैंने इंक्वायरी किया, बल्लारी में बैंकॉक बद्रीनाथ नाम का कोई भी माइनिंग ऑनर नहीं है। हाँ ठीक है रामू। हेलो। हे भियंगे, मिनिस्टर का फोन दे। हाँ? यही समय है सबक सिखाने का, अब देखना मेरा कमाल कैसे चक्कर चलाता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, मैटर क्या है बताएंगे जरा? मिनिस्टर को फोन देना है या नहीं देना ये फैसला मैं उसके बाद ही करूँगा। बैंकॉक बद्रीनाथ नाम का कोई भी बल्लारी में नहीं है। पता है। पता है तुझे? पता है, जो मेरे साथ यहाँ रहता है वो बल्लारी में क्यों रहेगा? देख मेरे गुस्से को और मत भड़का, बकवास बंद कर और मिनिस्टर को फोन दे। क्या बंद कर दूं, मुंह बंद कर दूं या फोन बंद कर दूं? देख तू। हाय भरत। क्यों? तुमसे नाराज होने के बाद मैं वापस क्यों आई हूँ? यही ना, उस दिन तो तुम किसी सीक्रेट ऑपरेशन में थे, ये मुझे नहीं पता था। सब एक नाटक कर रहे हैं। आज क्या टेंशन है तुमको? फिर कोई ऑपरेशन चल रहा है क्या? ड्यूटी छोड़कर तुम पुलिस वालों को कोई काम नहीं है क्या? Oh!
हाँ यार, तू हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों एंट्री लेती है? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो सर, आप कुछ भी कहिए, आपका चेहरा देखकर सब पता चल जाता है। इस वक्त आप टेंशन में हैं। जब आपने चाचा को फोन किया था तब उन्होंने भी पूछा था ना कि आप टेंशन में है। पूछा था? हाँ। याद नहीं आ रहा है। अरे भरत बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। क्या बात है बताना? आपको बताऊंगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे तेरा टेंशन देखा नहीं जा रहा है, बात क्या है ये बता, मुझे कुछ नहीं होगा। रुद्रा मामा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। कहाँ है वो? अरे यार, अरे रुद्रा, ये सब कैसे हो गया? क्या बोला? ऐसे बोलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक से बोलना। ए नरसिम्हा, जल्दी से मास्क लगा, नहीं तो मर जाएगा ये। पापा आ चुके हैं। ओके, रेडी। कितनी अच्छी डील चल रही थी, ये सब कैसे हो गया भाई? नरसिम्हा, डील की बात अभी रहने दो, पहले इसकी फैमिली को खबर पहुंचा दो। ठीक है सर। आप दोनों लोगों को डॉक्टर ने बुलाया है। हाँ आ रहे हैं, चलो। हाँ शुरू हो जाओ। देखिए भाई, हमसे जो बन पड़ा वो हमने कर दिया, आगे सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में है। नमस्कार जी। नमस्ते। कौन है ये लोग? ये रुद्रा मामा के बच्चे हैं। हमारे पापा काशी जी आने के बाद वो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में उनको ये प्रॉब्लम हो गई। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो आपसे एक बार मिले। सर यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। हाँ ठीक है। हमें इंतजार करना पसंद नहीं, डॉक्टर से कहो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। जी सर, कहता हूँ। ब्रेन डैमेज हो गया है और बॉडी कई जगह से फ्रैक्चर हो गई है, सो वो एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे, सांस लेने में भी तकलीफ है। मैं पुलिस हूं ये सुनते ही तेरा ये हाल हो गया, और मैं ही कृष्णा प्रसाद जी का बेटा हूं ये जान लेगा तो तेरा क्या हाल होगा। उधर देख पापा जी। मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा, तुझे देखूंगा, इसकी उम्मीद छोड़ चुका था। पापा जी, इनके हाथ में एक चिट्ठी है। मैं जानता था आप मुझे देखने जरूर आएंगे, मुझसे ये नरक की जिंदगी और नहीं जी जा रही है। मेरी जिंदगी और ये मेरी जान आपकी ही दीवी भीख है, और अब मौत भी भीख में आप ही दे दीजिए। पापा, इनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। हाँ भैया, मेरे पापा अक्सर कहा करते थे, जब भी मेरी मौत आए कृष्णा भैया की गोद में ही आए। ऐसा ही होगा, इनकी आखिरी इच्छा है, ये काम आप अपने हाथों से कीजिए। मुझे इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। एक कैसी किस्मत है मेरी, जिसे अपने हाथों से पाला पोसा, आज उसे ही बेटा इसके कानों में नारायण श्लोक पढ़ दो। ठीक है, सुन ले अब ये नारायण श्लोक। तू मौत के दरवाजे तक कैसे पहुंचा पता है? मेरे पापा से गद्दारी की इसलिए,
अब तुझे जिन हाथों से उन्होंने रोटी खिलाई उन्हीं हाथों से आज तुझे मौत की सजा भी देंगे। इसीलिए पापा को मैं यहाँ लाया हूँ। पापा जी हो गया। रुद्रा तुम अपने कुल देवता को याद करो। अरे अरे हो गया सीन खत्म हो गया। चलो निकलो बाहर चलो। ये क्या है नरसिम्हा, कब से इंतजार कर रहे हैं? ये सीएम लेवल का डॉक्टर है क्या? भैया हमें और कोई काम नहीं है क्या? जरूरत होगी तो बुला लेंगे, हम चलते हैं। इमोशनल मत होइए, टोपी बाजों में एक काम हो गया बस, आप लोगों का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, खुशी मनाइए। ए सामू, रामू कहाँ है? कल से मैंने भी उसे नहीं देखा, पता नहीं वो किसके पीछे कहाँ भटक रहा होगा। तू भी उससे कोई कम नहीं है। क्या सर, आपने जो कहा वही हुआ? मैंने कुछ कहा था क्या? आपकी जुबान पे जरूर तिल है। आप ही ने कहा था कि कुत्ते की मौत मरेगा, वैसा ही हुआ। कहा था क्या? भगवान के लिए आप अपनी जुबान से कह दीजिए कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूं। क्यों नहीं, जरूर बनोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन क्या करें, जो होना था वो हो गया। अब इतनी बड़ी जमीन का सौदा बाकी है, करना तो पड़ेगा ही ना। हिम्मत से काम लीजिए। मैं जरा लैंड के काम से जा रहा हूं, बाद में मिलता हूं। 70 mm का जादू। बिहंगी जी, सर नाम के आगे किडनी लगाइए, सुन के अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग इस वक्त जरा गम में हैं, रिलैक्स होने के बाद दे देना। ओके ओके ला। और सुनिए, आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या है? हमारे फिल्म में आप हीरो तो हैं ही, मनमोहक रामिया आपकी हीरोइन फिक्स। तुम सही बोल रहे हो ना? 100% भी हंगी जी, उसने अपनी फिल्म के लिए 3 फिल्में छोड़ दी। रामिया तेरा मेरा मिलन होगा। ओह क्या बात है बेटा भरत, आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं, कहीं कोई टेंशन चल रही है क्या? पुलिस की नौकरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है टेंशन तो होगी ना। पुलिस? हमारा भरत तो एमएलए है ना? हाँ, भरत तो एमएलए ही है, लेकिन इसका ससुर पुलिस में है। ससुर मतलब कौन? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? आप जल्दी जान जाओगे भाई साहब, चाहो तो भरत से ही पूछ लो। भरत? ए भरत, कौन है वो लड़की? मुझे नहीं दिखाओगे? कोई नहीं पापा जी। देखो झूठ मत बोलो, मुझे मेरी बहू को देखना है, उसे लेकर आओ। ठीक है पापा। ए शिवा, शिवा, ए शिवा। माना आपकी जुबान फिसलती रहती है, लेकिन आपने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी बात की है। शुक्र है। भरत तुम भैया को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो, पर उन्हें असली खुशी तब मिलेगी जब वो तुम्हारे सिर पर सहरा बंधा देखेंगे। तुम्हारा और मेरा डिपार्टमेंट अलग हो चुका है, अब क्यों आए हो यहाँ? परिणीति से मैं अकेले में कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर्सनल कुछ नहीं चलता, सब खुल्लम खुल्ला है, क्या कहना है बोलो। ओके परिणीति, हमारे बारे में घर वालों को पता चल गया है, तो तुम भी अगर खुलकर बात करोगी तो हमारे पेरेंट्स इस पर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। क्या फाइनल डिसीजन लेना है, ऐसा कोई प्रपोज करता है क्या? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं। परिणीति कह दो इसे यहाँ से चला जाए। I love him, daddy. मैं इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। आपने ही कहा था ना डैडी कि आपको किसी और से पता चलने से बेहतर है कि हम दोनों ही आपको ये बात बताएं। लेकिन इस लड़के डैडी, इसे खुद पर बहुत घमंड है, पर ईमानदार ऑफिसर्स ऐसे ही होते हैं, इनको खुश करने के लिए थोड़ी तरफदारी करनी पड़ती है, पर एक बार शादी हो जाए फिर तो मेरी ही चलेगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन शादी के बाद मिस फायर हो गया तो? घर में हमेशा मिसेज ही फायर करती है डैडी। ओके, मेरी लड़की को तुम पसंद हो इसलिए मुझे मंजूर है, बट उससे पहले मुझे तुम्हारे फैमिली से मिलना है,
वो भी मुझे पसंद आने चाहिए। अगर नहीं आए तो सर सभी लोग पसंद आएंगे, लेकिन क्या लेकिन, देखा बात शुरू होते ही प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है सर, मेरे पापा के लिए है। मतलब सर मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन पापा मुझे एमएलए समझते हैं, इसलिए आपको भी जरा मैनेज करना पड़ेगा। कैसे कैसे क्रिमिनल्स को मैंने हैंडल किया है, उनके आगे तुम्हारे पापा क्या चीज है। क्या बात है, यहाँ तो सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। सबका परिचय तो हो गया, ये साहब कौन? ये मेरे फूफा है चक्रपाणी, मैंने आपसे कहा था ना। यही है क्या वो? नमस्कार। नमस्कार जी। ये तो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमें बरसों से जानते हो। इस शुभ कार्य की शुरुआत तो तुम्हें ही करनी है ना। हाँ वो बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ, हम इस वक्त नाटक कर रहे हैं, ये बात भरत ने इनको बताई है या नहीं? क्या पता, छोड़ो ना। समझी जी, ये मेरा बेटा इसलिए नहीं कह रहा, अब देखो इसी उम्र में इसने पूरे असेंबली को हिला रखा है। पॉलिटिक्स के धोनी है ये, वो क्रिकेट फील्ड में और ये विधानसभा में, इन्हें देखकर पूरा युवा वर्ग पॉलिटिक्स में आने के लिए पूरी तरह बेताब है। लगता है इसका माइंड ही वीक नहीं, इसकी आंखें भी वीक हैं। सच में मैंने भी सुना है संदीप जी, सभी आपके लड़के को रोल मॉडल यूथ आइकन कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये मुझे इस तरह आंख क्यों मार रहे हैं? ऐसी बात नहीं है पापा जी, दरअसल इन्हें ओसीडी आई प्रॉब्लम है। ओह सच कह रहा हूँ मैं, यूथ का राज आने के बाद ही देश का उद्धार होगा। छोटी देखा, उन्होंने मुझे आंख मारा। तुम्हें मारा क्या? मुझे लगा मुझको। नहीं मुझे मारा। ठीक है समधी जी, जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त निकाल कर हमें बता दीजिएगा, मैं जरा हिमालय जाकर आना चाहता हूँ। हिमालय? क्यों, रजनीकांत जी के गुरु तो वहाँ रहते हैं, आपके भी गुरु वही रहते हैं क्या? सिर्फ गुरु ही नहीं, भगवान, भाई साहब, भाई डॉक्टर राजकुमार जी की शूटिंग आजकल वहीं चल रही है, शादी का पहला निमंत्रण कार्ड मैं उन्हें ही देना चाहता हूँ। जी हाँ, हिमालय में ही उनका लंबा शूटिंग शेड्यूल है। ये सोच रहे हैं कि वो अब भी जिंदा है, ये क्या पूरी राज्य की जनता यही सोचती है। समधी जी आप किस सोच में डूबे हैं? कुछ नहीं, जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त निकाल कर बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक चलता हूँ। नमस्ते। अरे खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। आप मेरे एमएलए दामाद का ठीक से ख्याल रखना। हाँ ख्याल रखूंगा। अरे भैया क्या है बोलो? इस रिश्ते को मना कर दो भैया। क्या कह रही हो, लड़की तो सुशील और सुंदर है। माना लड़की सुंदर और सुशील है, लेकिन उसके पिताजी ठीक नहीं है, बात बात पर आंख मारते हैं। ओह अरे सुनो, उन्हें ओसीडी नाम की एक बीमारी है, ऐसा भरत ने बताया है। देखा कैसे मैनेज किया मैंने। क्या हुआ? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अबे गाड़ी क्यों रोकी बे? जरा बेंगलुरु तक जाना था। गाड़ी तेरे बाप की है क्या? बड़े भाई, उस पुलिसिया से मिलने के लिए मैं खुद बेंगलोर आ रहा हूँ, नरसिम्हा से कहो कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले। तेरे फूफा तो पागल हैं, मुझे भी पागल बना देंगे। सर जरा आराम से बात कीजिए। लेकिन क्यों, सारी दुनिया कह रही है कि तेरे पिताजी का देहांत हो गया। सर हमारी बात तो सुनिए। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ समझ गया हूँ मैं, पुलिस वाला हूँ। लगता है किसी मैटर में तेरे बाप ने करोड़ों का गबन किया है, इसीलिए जेल जाने से बचने के लिए ये नाटक कर रहा है। मेरे पापा के बारे में ऐसा गलत मत बोलिए। नहीं तो क्या, मैं खुद नहीं चाहता मेरी बेटी इस घर की बहू बनकर आए, इसीलिए मैं खुद यहाँ रिश्ता तोड़ने आया हूँ। देखिए सर वो कौन है क्या है ये जाने बिना आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है। भरत इन्हें सच्चाई नहीं मालूम है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, कम से कम तू तो समझदारी से काम ले। देखिए सर हमें आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? भरत हाँ? क्या हुआ बेटा, कोई टेंशन है क्या? समधी जी क्या हुआ? मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहिए ना। अमेरिका में जो आपके भाई रहते हैं ना सत्या,
उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसीलिए शादी की तारीख आगे बढ़ानी है, ऐसा आपके लड़के ने कहा है। यह क्या भारत, मुहूर्त इसलिए निकाला जाता है ताकि जीवन सुखी रहे। आशीर्वाद देने वाले कहीं भी रहे, कभी भी आए, आशीर्वाद तो देते ही हैं। मेरी बात मानो, शादी कर लो, जब सत्य आ जाएगा तो एक ग्रैंड रिसेप्शन रख लेंगे। ठीक है पापा। ठीक है ना समधी जी। आइए खाना खाते। भरत सर, तुम एक एफिशिएंट और ब्रेव ऑफिसर तो हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान हो ये पता नहीं था। एक इंसान को बचाने के लिए पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, मतलब इस घर में अगर मेरी बेटी आती है तो वो बहुत किस्मत वाली है। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। नमस्ते भाई। अरे आप कितने वीक हो गए हैं। पर्सनल बातें करने नहीं आया मैं, वो कमीना पुलिस ऑफिसर कहाँ है ये बताओ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो काम हर हाल में होकर ही रहेगा। एक खास बात बतानी थी, एक सुपर लैंड की डीलिंग आई है। 250 एकड़ लैंड है वेल्लारी में। 1 एकड़ का 10 करोड़ देंगे तब भी नहीं मिलेगा। सामने वाले को पैसों की जरूरत है, इसीलिए 5 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से देने को तैयार हो गया है। अगर आप हाँ कर दें तो हम लोग डीलिंग कंप्लीट कर दें। हाँ भाई, आप 10% कमीशन दे देंगे वही बहुत होगा। सारे पेपर्स क्लियर हैं, जरा देख के बताओ। ठीक है भाई, अब चलते हैं। कलीम। हाँ भाई। इन लोगों को मेरी फीलिंग से ज्यादा करेंसी की भूख है, उस पुलिस वाले को हमें ही ढूंढना होगा। इतना अर्जेंट क्या है बिहंगी जी? बिना अर्जेंसी के काम नहीं होता, अभी पता चल जाएगा। पता नहीं क्या पता चल जाएगा, जब से ये डील फिक्स हुई है तब से बस मीटिंग ही मीटिंग हो रही है, शूटिंग तो हो ही नहीं रही है। हेलो भरत, रामू फरार हो गया। अरे क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक से बताना क्या कहना है। अरे तुम लोगों को इसकी बातें समझ में आ रही हैं? अबे तुझे सांप सूंघ गया है क्या, ठीक से बात क्यों नहीं करता? लगता है इसने वो घुमा दिया है, इसीलिए पागलों जैसी हरकतें कर रहा है ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। सर सर, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, उधर क्या हुआ है मैं बताता हूँ ना। हमारी डील बहुत बढ़िया है कि हाँ। ये मेरे मामा से क्लोज हो जाए इसलिए मैं इसे अपने साथ डिनर पे ले गया था। हाँ। तब इसने वहाँ पर हाँ। मेरे मामा की गर्लफ्रेंड को बुरी नजर से देखा। क्या? और जब मेरे मामा वहाँ पर नहीं थे हाँ। तो इसने रेप अटेम्प्ट किया। तो, कुत्ते का बच्चा, जहाँ हड्डी देखी चाटने दौड़ता है। मामी बहुत ही स्मार्ट है, कराटे कुंग फू सब जानती है। चार खींच कर लगाया और गले में जो मशीन थी उसे निकाल कर फेंक दिया। अगर ये बात मेरे मामा को पता चल गई ना तो ये डील कैंसल। ए, मुंह बंद करके खड़ा रहेगा तो तेरे लिए ठीक रहेगा, नहीं तो मैं ही तेरा गर्दन काट के चील कौओं को खिला दूंगा, समझा? शांत हो जाइए सर, जस्ट कूल डाउन। ठीक है ठीक है। देखो बेटा, डॉक्यूमेंट्स हमें जल्दी दे देते तो लॉयर को देकर लीगल ओपिनियन लेकर डील कंप्लीट कर देते। डॉक्यूमेंट्स? वो तो मैंने कब के दे दिए? दे दिए हैं? कब दिए हैं? वो जब आपके पार्टनर का देहांत हो गया था, आप सब अपसेट थे इसलिए मैंने बिहंगी जी के हाथ में दे दिया। किधर है डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट तो दे दिए है सर, लेकिन कहाँ रखे हैं? ठीक से याद कर तू, मेंढक की तरह आंख मत दिखा। वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, समझा क्या तू? प्रॉपर्टी का याद कर, फिर तो ढूंढ पाएगा। याद कर। आपको ऑलरेडी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, भगवान ने करे आपको 3रा हार्ट अटैक आए, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। बस डॉक्यूमेंट्स ना, फिर मंगवा लूंगा, नो प्रॉब्लम, जरा सा टाइम लगेगा बस। ठीक है ठीक है, एक बार लैंड दिखा देते तो अच्छा रहता। बस इतनी सी बात, तो कल आ जाइए। आ जाऊंगा। क्या बिहंगी जी, आप हमारे हीरो हैं ना, आपको कोई भी किसी के सामने थप्पड़ मारता ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता है। मैं इस डील को कैंसिल करता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। सिर्फ ये बताओ, वो कमीना रुद्रा मरा कैसे? इनसे तो कम पाप किए थे उसने। मतलब ये भी? यस, मेरी काली जुबान इनका सत्यानाश कर देगी, पक्का। बाप रे। पापा, हम इसी तरह लेट करते रहे ना तो वो जमीन हाथ से निकल जाएगी और दूसरों के हाथों में चली जाएगी, सच कह रहा हूँ। तुझे मान गया मेरे बेटे, मैं समझता था तुझे सिर्फ लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, लेकिन आज पता चला तुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, ये मुझे अच्छा लगा। गलती से ऐसा हो गया। पापा जी, वो बड़े भाई गौड़ा जी है ना? बड़ा भाई गौड़ा? अरे वही जो मुंबई वालों के साथ मिलकर गलत धंधे किया करता था ना। ओह, वही जिसे आपने बुलाकर एक बार चेतावनी दी थी। ओह, क्या हुआ जी? वो हार्ट अटैक से चल बसे। ओह ओह, शिव शिव शिव, भगवान की माया। चलो चलो देख कर आते हैं।
उन्हें देखने के लिए आप जाएंगे? इंसान भले ही कितना बुरा क्यों ना हो, मौत के बाद उसे देखने जाना चाहिए। आप बहुत लकी हैं, जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो ये जानलेवा हो सकता था। पापा जी आप यहाँ आराम से बैठिए। बॉडी वार्ड में है या फिर मॉर्चरी में शिफ्ट की है ये मैं देख कर आता हूँ। पापा जी क्या? आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हम लोग यहाँ है ना। हाय। हाय। बड़े डॉक्टर आप लोगों को बुला रहे हैं, चलिए चलकर मिल लीजिए उनसे। चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो चलो चलो। कहाँ है डॉक्टर? कुत्ते की औलाद, एक लड़की ने क्या कर बुला लिया, तुम हिलाते हुए चल दिए। नामुराद। सर आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं। यहाँ बैठ जाइए। डॉक्टर को अगर आने में लेट हुआ ना तो कहीं जाइएगा नहीं, 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 मेरे आने तक यही इंतजार कीजिए। ओके ना? ओ तुम हो। क्या सर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रुद्र की मौत याद आ गई, उसे भी बड़े डॉक्टर ने बुलाया था, जब तक डॉक्टर आते उससे पहले ही वो टपक गया था। ओ, तो आप भी उसी तरह मरेंगे ऐसा सोच रहे हैं क्या? क्या? बिल्कुल करेक्ट गेस किया है। क्यों बेटे, तुझे मजाक सूझ रहा है? मजाक करने के लिए मैं तेरा कोई अपना या फिर दोस्त नहीं हूँ। पुलिस सन ऑफ कृष्णा प्रसाद, सब मरने के बाद भगवान से मिलते हैं, लेकिन तू मरने से पहले ही भगवान से मिलेगा, क्योंकि तेरी मौत उसी भगवान के हाथों से होनी है। देखना चाहता है उस भगवान को? तो देख। भगवान दिखा रहा है या मौत दिखा रहा है मुझे? अरे ये क्या हो गया? कैसे अचानक निकल लिए ये? हे भगवान। बड़े भाई की फैमिली। रो मत, तुम्हारे पिता देवता जैसे इंसान थे। अरे बाबा, बाबा। नारायण। अब तो बैठ जा, वो आने ही वाली है, तू भी ना। अरे इस गूंगे को भी समझाना बहुत मुश्किल है। अरे रुक जाते तो वो। भरत, इस रियलिटी शो में कैरेक्टर एक एक करके मर क्यों रहे हैं? इस शो का कॉन्सेप्ट माफिया पर है ना, इसलिए वॉयलेंस ज्यादा है। सुनो। क्या? देख लिया क्या? ये भी चले गए? आपने तो कहा था ये नाक और मुंह से खून की उल्टी करके मरेगा। क्लीन कर दिया भाई, वैक्यूम क्लीनर से। परफेक्ट, करेक्ट बोला। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब मेरे हीरो में पावर आ जाए, लेकिन अब पता चला तुम तो पहले से पावरफुल हो। मैं अभी आता। उनकी मौत कैसे हुई, किसने फूलों का हार चढ़ाया उन पर, इस बारे में ज्यादा मत सोचना वरना तुम्हें भारी पड़ेगा। क्या क्या ड्रामा करना पड़ रहा है भाई इस 2 करोड़ रुपए के लिए। चाहे कुछ भी कर ले गेंडे तू, वीर स्वामी का आशीर्वाद, रविचंद्रन का सपोर्ट, सब मेरे साथ है और उसकी टीम मुझे ही इनकरेज कर रही है। प्राइस मनी मेरा फिक्स है, समझ गया मोटू? तुम्हारे मामा डेड बॉडी से भी बात करना जानते हैं क्या? शायद नारायण श्लोक पढ़ रहे होंगे। तू अभी तक सांस रोकने की एक्टिंग कर रहा है, मैं जानता हूँ। ज्यादा सांस मत रोक वरना बम की तरह फट जाएगा। भाड़ में जा गेंडे। नरसिम्हा जी, जब से आपने इस डील में हाथ डाला है, तब से एक एक करके सारे पार्टनर्स भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे। देखो जो होनी है उसे भला कौन रोक सकता है। सुनो, शाम को मामा जी को भेजो, डील पक्की करके खत्म करते हैं। बात समझ में आ गई ना, किसी भी तरह से इस डील को कैंसिल करना है,
तभी पर्दे के पीछे बैठा हुआ लैंड माफिया सामने आएगा। सो लैंड माफिया के टाइटल को जस्टिफिकेशन मिलेगा। कंटेंट और कॉन्सेप्ट तुम्हारा, इन्वॉल्वमेंट परफॉर्मेंस 100% हमारा, डील हो गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में मेरा भी एक सेटअप होना चाहिए। राइट काजल। पिंकी पंकी चंद्रिका। ना ना ना, मेरा नाम है काजल। हाय राजा। लगता है वो लोग आ गए। खोलो प्लीज। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते जी, ये है मेरे मामा की लोकल वाइफ। लोकल? हाँ, यहीं की लग रही हैं। मेरे मामा जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपना एक घर और एक स्टेपनी बीवी रखते हैं। इनका नाम है काजल। काजल मामा की आंखों का चैन। नो 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 नो, मैं तो अपने राजा के दिल का चैन हूँ। इस हसीन काजल को शॉर्ट एंड स्वीट में अदा कहते हैं। लोकल मामी के लिए जूस लाओ। नो, आप सब लोग स्ट्रॉन्ग पी रहे हैं तो मुझे सॉफ्ट क्यों पिला रहे हो? मैं भी स्ट्रॉन्ग ले लेती। थोड़ा सोडा तो मिला लेते, बहुत स्ट्रॉन्ग है जाने मन। आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या भरत? तुम्हें? मेरे लिए तो स्मेल ही काफी है। बहुत अच्छे, हमेशा पार्टी ऐसी होनी चाहिए। अब मुद्दे पर आते हैं। हम जल्द से जल्द इस डील को फाइनल कर लेते हैं। पांच मिनट के अंधेरे में सौंदर्य सरे आम लुट गया। आदा, क्या हुआ आदा? क्या हुआ? जब नई गाड़ी को गैराज में ले जाकर उसके पुर्जे खोल देते, वैसे मेरे साथ हो गया। किसने ऐसी बदतमीजी की? कौन है वो जो नहीं करना चाहिए था वो करके खामोश बैठा है? ओह, इसका मतलब मेरे मामा किसी काम के नहीं। मेरे मामा कुछ नहीं कर सकते। और मेरे मामा भांजे, ऐसे सिचुएशन में मेरे इज्जत की बात क्यों लगा रहा है? चुप हो जाना। आपको कुछ नहीं मालूम, सच्चाई जाननी है मुझको। चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि स्वीट किसने खाया है। इज्जत के लिए चुप हो जा भांजे, मेरे तुम लोगों से दोस्ती भी खत्म और ये डील भी कैंसिल। इतनी सी बात के लिए डील कैंसिल मत कीजिए। इतनी सी बात है क्या? सुभद्रा से सुर्पनखा बन गई मेरी अदा, इसकी इज्जत पर हमला हुआ है, छोटी सी बात है। ऐसा मत कहिए प्लीज, सबके सामने मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सबने मेरी जाने मन की इज्जत पर हमला किया और पैर पकड़ने की बात कर रहे हो? नो, डील इज कैंसिल। बॉस, अगर ये डील कैंसिल कर रहे हैं तो हमारी फिल्म का क्या होगा? कल की परफॉर्मेंस देखकर मेरे मामा ने कहा था कि वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप मेरे मामा का सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा एक्ट करो, ओवर एक्ट करो। ए नरसिम्हा, ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? क्यों नहीं ले सकता हूँ? तू मेरा समधी है या ससुर है? तूने मेरी माँ जैसी मामी की इज्जत पे हमला बोला है, तुझे तो जूते की माला पहनानी चाहिए। मुंह बंद कर वरना जान से जाएगा। ए, मुझे मारने के लिए तुझे चाकू या गन चाहिए, समझा? लेकिन तुझे मारने के लिए मेरी टंग काफी है, चार जाऊंगा इससे। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, इसे मैं छूऊंगा। क्यों भाई, मेरे मामा को धौंस दे रहे हो? मेरे मामा ने एक बार कह दिया तो बात खत्म। सही कहा भांजे, मेरे जाने मन कोई बड़ा पाव है क्या? इसकी भी इज्जत है। व्यांगे, बस कर, मैं क्या चीज हूँ तू जानता है? सब जानता हूँ। क्या कर लेगा तू मेरा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? बोल। बस एक फोन करने की देरी है, नायक और नायक के भाई दौड़ कर चले आएंगे। नायक या नालायक कौन है उसे बुलाओ, देख लेंगे। मेरा मामा भी टाइगर है। बिल्कुल सही। मेरे भांजे, होटल सेंटअप रूम नंबर 203। गाड़ी में हो या पैदल हो, डे में हो या नाइट में हो, सिंगल आओ या फिर पूरी फौज के साथ आओ, मामा के दांत होंगे, सबके पसीने छूट जाएंगे। सुपर मेरे भांजे, आज जा मेरे दिल की रानी, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ए बाज बैठ रहे। हाँ ठीक है भैया। शिवा भाई साहब ने अब क्या तक शूटिंग खत्म नहीं हुई है? भाई ने कहा जैसे खत्म होगी मैं घर आकर बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। वो तो सचमुच हमारे लिए भगवान है, हम पर उनका आशीर्वाद सदैव रहता है। अच्छा सुनो, शादी के दूसरे ही दिन हमें गरीबों को खाने के साथ साथ कपड़े भी बांटने हैं, ये याद रखना। अच्छी बात है पापा। भैया संधि जी आए जी, कहना था हॉल का डेकोरेशन और कुकिंग का ऑर्डर मैंने दे दिया है, और कुछ बचा है तो। ये क्या कह रहे हैं आप हमें? मेरा एक ही बेटा है, इसकी शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे, आप क्यों? ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल बने। क्या हुआ भैया? सर,
अब आप अपने फादर से मिल सकते हैं। आप कैसे हैं पापा जी? भरत, मुझे क्या हुआ था? ज्यादा खुशी होने की वजह से बस आपका बीपी हाई हो गया था, इसलिए चक्कर आ गया। भरत, मैं मरने से नहीं डरता हूं बेटा, लेकिन बचपन से ही मैं अपनों के सुख से वंचित रहा, जनता जनता कहते हुए जनता के लिए ही जीता रहा, इसीलिए मैं तुम्हें खिलाने झुलाने के मौकों को भी गंवा बैठा, और आज ये सारी खुशियां देखकर मैं और जीना चाहता हूँ, अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लेकर उनके साथ में खेलना चाहता हूँ, उनके मुंह से दादा सुनना चाहता हूँ, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना चाहता हूँ। ये सपना पूरा होगा ना बेटा? पूरा होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा, आपको कुछ नहीं होगा। भरत की फोटो? हाँ, कृष्णा प्रसाद। इसका मतलब यह है कि ये कृष्णा का बेटा है। उतना ही नहीं, उसके पिता के साथ गद्दारी करने वाले सभी पार्टनर्स को मार दिया है उसने, अब तू ही बचा है और वह तुझे भी मारेगा, वही भरत आईपीएस। हाँ, ये तो कृष्णा प्रसाद है। हाँ, और ये तो लैंड डीलर भुवनेश्वर है, ये है कहाँ इस वक्त? ये भुवनेश्वर है, ये पुलिस ऑफिसर भरत है, कृष्ण प्रसाद का बेटा। इसकी फोटो भेजी थी, देखा नहीं तुमने? तुमने जो फैक्स भेजा था वो ये नहीं था नायक। कूल बॉस, मैंने ही तुम्हारी मौत को कुछ दिनों तक और टालने के लिए एक दूसरा फोटो भेज दिया था। चुप, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। कूल बॉस, कूल। ए नरसिम्हा, वो पुलिस ऑफिसर भरत तेरे पास क्यों आया था? अरे भाई, मुझे क्या पता कि वो पुलिस ऑफिसर है, लैंड डीलिंग के चक्कर में वो मेरे पास आया था, मामला करोड़ों का था इसलिए हम लालच में आ गए, हमें क्या पता कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है नायक। मुझे इसी वक्त बिहंगी और बैंकॉक बद्रीनाथ दोनों चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा मामला सेट कर दूंगा। हाय गाइस, क्या चल रहा है यहाँ पे? बिहंगी। ओह, बिहंगी किडनी भुवनेश्वर के साथ कहाँ गया था? लोकेशन देखने गया था। लोकेशन? वो डायरेक्टर की फिल्म के लिए। डायरेक्टर? डायरेक्टर, या ऑफ कोर्स, ही इज मेकिंग अ मूवी। या हीरो कौन है? इसमें भी शक है क्या? कैसे कैसे लोग हीरो बन जाते हैं बिना किसी टैलेंट और स्पिरिट के। आई एम द हीरो यार। क्या? यस, एक और बात बताऊं, इस हीरो के साथ जो हीरोइन है ना वो राम्या है यार। प्रोड्यूसर कौन है पता? वो देखो, उनकी एंट्री हो गई। ये है? यस। कौन है? कौन बोल रहा है? ओहो, तू है क्या सिंह वाला भाई? तू कोई माफिया लीडर है क्या? मैंने तुझे बुलाया था ना, क्यों नहीं आया? मुझसे डर गया क्या? वो कहाँ है? कौन? तेरा भांजा भुवनेश्वर। ए, डील कैंसल होने के बाद उससे तुझे क्या लेना देना? अरे बाप रे, मर गया। ए, तू अपने आप को डॉन कहता है? तेरे जैसे टुच्चे डॉन को मैं बैंकॉक में ड्राइवर रखता हूँ। कितना मारेगा तू? राक्षस है कि इंसान है कि देवता है? मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को कौन देखेगा? मुझे पता है तू डॉन नहीं है, तू सिर्फ डॉन का कैरेक्टर कर रहा है। डॉन का कैरेक्टर? डॉन का कैरेक्टर? डॉन का कैरेक्टर? ओह, तुझे ये भी नहीं पता क्या? ठीक है, जाने दे। ये तो पता है ना कि ये रियलिटी शो है। रियलिटी शो है? रियलिटी शो है? ये भी नहीं पता तुझे? ए, तू पागल है क्या? अरे पागल, अरे रुक, ना बहुत मार लिया। मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ, रुक जा। सर, रविचंद्रन सर, सर प्लीज सर, सर मैं इस पागल के साथ काम नहीं कर सकता सर। आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद थी इसीलिए आपके पीछे भटक रहा था सर, लेकिन अब नहीं भटकूंगा सर। सर भगवान के लिए इन लोगों को बाहर निकालिए सर, बाहर निकालिए सर। ये किससे बात कर रहा है तू? ओ, तुझे ये भी नहीं पता क्या? चैनल के ऑनर को नहीं जानता, हमारे प्रोग्राम क्रिएटर को नहीं जानता, टोटल कहूँ तो हमारे बॉस को भी नहीं जानता है ना। मतलब रविचंद्रन इस पेन के अंदर है? रविचंद्रन इस पेन में नहीं है, ये पेन कैमरा है। रविचंद्रन स्टूडियो में बैठकर यहाँ का सिचुएशन देख रहे हैं। सर, इन गधों को टॉप एंगल से देखिए सर। ये सब क्या है नरसिम्हा? ये अपने आप को हीरो कह रहा है, ये रियलिटी शो कह रहा है और मुझे डॉन कैरेक्टर बता रहा है। अब भी समझ में नहीं आया क्या? इन्हें यूज करके तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पकड़ने के लिए एक प्लान रचा उस भरत ने, पक्का पुलिस ट्रैप। उस फिल्म के हीरो आप ही हैं, मनमोहक स्टार राम्या फिक्स हो गई है।
वो भारत चट्टानों को निचोड़कर पानी निकालता है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो? हाँ कूल बॉस कूल, अब किसी भी वक्त वो यहाँ पर लैंड हो सकता है। अगर मेरा गेस करेक्ट है तो अब तक एक साउंड आ जाना चाहिए था। ए नायक, यू हैव बीन सराउंडेड। यू हैव बीन सराउंडेड, कम आउट एंड सरेंडर योरसेल्फ। हे कमिश्नर, गो बैक वरना। क्यों एक्टिंग कर रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? जाने दो मुझे। I don't like this reality show. टाउन है तो क्या करूँ? यहाँ कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, सब ओवर एक्ट कर रहे हैं। एक्टिंग करो या तो परफॉर्म करो, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं आता। नहीं, तू भी ओवर एक्ट कर रहा है। रुकना। अरे ओ गधे, चेहरे पर वर्ल्ड मैप बन गया फिर भी तेरी समझ में नहीं आया? ये कोई रियलिटी शो नहीं है, वो रियल डॉन है, वो रियल पुलिस है और रियल फायरिंग हो रही है। बहुत अच्छे से उसने तेरा यूज किया। यूज करना इसी को कहते हैं क्या? आप देखते जाओ सर, आपको क्या से क्या बनाता हूँ, शहद की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। रुको, शूट मत करना भारत। मैंने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया है भारत। तुम्हारे पापा को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, समझो? वो नायक है ना, बहुत डेंजर है भारत, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। किल हिम। अरे हमारा वक्त खराब है। ए, मैं तो पैसों के लालच में आकर ये सब कर रहा हूँ, तू किस लालच में कर रहा था रे? हीरो बनने की खुजली। हीरो बनेगा? अबे तेरी तो देखने में चिंपांजी लगता है, तेरा पेट बिल्कुल कद्दू की तरह है, टोटल कहूँ तो घर में लगने वाली ब्लैक सिंटेक्स पानी की टंकी की तरह है। तू हीरो बनने चला है? डायरेक्टर ने मुझे एक्टिंग की गोली खिलाकर चने की झाड़ पे चढ़ा के वापस गिरा दिया यार। अब तेरा वर्क ओवर पैकअप होने वाला है, जा यहाँ से तू। छोड़ दे, मुझे कुछ मत कर, सिर्फ एक मौका दे दे, मैं कभी नजर नहीं आऊंगा, प्लीज। मौका देने के लिए मैं कोई फिल्म का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं हूँ। पुलिस, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। ऊपर जाने का टिकट तो कंफर्म हो गया है, लेकिन ऊपर भेजने वाला है कृष्णा प्रसाद। भरत प्लीज मेरी जान बख्श दो। एक बार बुलेट निकल जाती है तो फिर लौट कर आने का सवाल ही नहीं होता। अच्छा सुनो सर, नायक बचकर निकल गया है, वो एनी टाइम किसी पर भी और कहीं भी अटैक कर सकता है। हमारे कृष्णा भैया,
ये लीजिए पापा। टाइम हो गया पापा, खत्म कर दीजिए रावण को। निशाना चूकना नहीं चाहिए पापा। राम नाम सत्य है। क्या है बच्चों? हमें वो पतंग उठा रहे हो ना? अभी देता हूं। पापा जी, सत्या चाचा को मैंने शादी की सीढ़ी भेज दी है। उन्होंने वो इस दुनिया में नहीं है। तुमने ये झूठ की नई दुनिया क्यों बनाई भरत? मुझे जिंदा रखने के लिए ना, मेरी खुशियों के लिए ना। तो फिर बेटा, तुम गुनेगार की तरह सर झुकाकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? हाँ, मैं बाप होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने तो एक अद्भुत दुनिया ही खड़ी कर दी। मेरी खातिर तुमने कितनी तकलीफें झेली, लेकिन मैंने तुम्हें कह दिया है बेटा, जन्म दिया है पापा। माना कि मैंने झूठ की दुनिया खड़ी की, लेकिन मुझे इस दुनिया में लाने वाले आप ही हैं ना पापा। जन्मदाता को जब संतान थोड़ा प्यार देता है तो कहते हैं बहुत है, लेकिन बेटा 7 जन्मों से भी बढ़कर तुमने मुझे प्यार दिया है। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। पापा जी, क्यों घबरा रहे हो तुम बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसी औलाद से दूर करने के लिए भगवान भी 100 बार सोचेंगे। मेरे बच्चे, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा ही बेटा बनकर मैं दोबारा जन्म लूंगा और फिर तेरे एहसानों का कर चुकाऊंगा।